नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद समुद्र हाथ खड़े हो हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री पाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्री पाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण शरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाविधि प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे अजन्मा होते हुए भी उन्होंने श्री देवकी वसुदेव की कारागार में भगवान ने प्रकट हुए हैं श्री चतुर्भुज रूप लेकर। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन कद अजो भी सन्न अपयात्मा भूताना भी ईश्वर भी सन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्माय। कद अर्जुन मैं अजन्मा हूँ मेरा जन्म नहीं है। इसलिए कहते जन्म कर्म चमे दिव्य मेरा जो जन्म कर्म है वो अप्राकृत और अलौकिक है लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। भले क्यों जन्म भगवान लेते हैं भले अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमि विविध क्रिया। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं लेते कल हम लोग ने बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आज भी कृष्ण की जन्म उत्सव करेंगे आज भी राधा रानी की जन्म उत्सव की कथा सुनेंगे। अगर भगवान जन्म नहीं लेते फिर हम क्या कथा सुनते बैठ गए फिर घर में बैठ गए टीवी देखते बेटी बहू की बात करते दुनियादारी चर्चा करते फिर हमारे मंगल कैसे होता कल्याण कैसे होता। इसलिए भगवान अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी ने जन्म लिया है और जन्म लेकर के प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला की। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कृष्णा क्यों जन्म लिए हैं इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बात बताएं बताओ मेरा क्या कथा सुना हा? क्या जी माटी है तो माटी का बताया था अब चल रहा है उतना बारे हरे कृष्ण। इसलिए इसलिए कहते भगवान अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी ने जन्म लिया। कहते टीकाकारों ने इसको पीछे बहुत रहस्य बताया हम कोशिश करेंगे उससे 10 कारण सुनने के। कितना कारण सुना के आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे पूछूंगा देखूंगा किसको याद रहना ठीक है। हर कथा को याद रखना और याद करके अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाना ठीक है ना। ऐसे नहीं कथा यहीं सुने और यहीं से खत्म करके चलेंगे यहीं से खत्म करके नहीं जाना यहाँ से जाकर घर में भी अड़ोसी पड़ोस में भी भगवान की कथा बोलना उनको भी भगवान की भक्ति के बारे में उनको भी समझानी चाहिए ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला कारण क्या है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानसि जाग्रत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इस जगत में अधर्म फैल जाए और जगत में पाप बढ़ना शुरू होता है वो ब्राह्मण वैष्णव पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होने लगता है
तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और संतों का मैं पालन करता हूँ। यदि ये एक कारण हो गया, बोले दूसरा कारण क्या है, बोले भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए ही मैं जगत में जन्म ग्रहण करता हूँ। कितना कारण हुआ बोलो, कितना कारण हो गया, दो कारण हो गया। बोले तीसरा कारण बताए, जब कंस का कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के दर्शन दिया, तब देव की वसुदेव कहते हैं, प्रभु आपको तो मैंने पुत्र रूप में प्रार्थना की थी, आप तो एकदम 16 साल के जैसे आप जन्म हो गए, प्रकट हुए हो, ऐसे क्यों? बोले देखो, पूर्व जन्म में तुम दोनों कृष्ण और सुतपा थे, तुम लोग ने संसार का कोई भी सुख भोग नहीं किया, केवल पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे वो पत्ते खा खा करके 10,000 साल तपस्या। जब मैंने संतुष्ट होकर दर्शन दिया, बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप जैसे हमें के लाना चाहेंगे। बोले मेरे जैसे तो कोई होता नहीं, मैं तो असमर्थ तत्व हूँ। इसलिए बोले नक्तस समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते। बोले भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, जगत में भगवान की बराबर जगत में कोई नहीं है। बोले ठीक है, मैं तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी बेटा बन कर जाऊँगा, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटा बन कर आया, अभी बेटा बन जाऊँगा मैं, हैं? कहते ये भी एक कारण है। कितना कारण हुआ, घृणा सब, कितना कारण हो गया, बोलो जोर से, तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए, कहते ये द्रोण और धरा, ये भी दोनों कठोर तपस्या की, किसको तपस्या की, बोले पितामह ब्रह्मा को, और कृष्ण सुतमा किसको भजन कर रहे थे, कहते विष्णु को। देखो यहाँ पर भगवान को जो भक्ति करते ही उनको जो फल प्राप्त होता है, अगर कोई भक्तों को तपस्या करना भक्ति करे उसे ज्यादा फल मिलता है, हैं? अभी जब भगवान जब श्री द्रोण और धरा ब्रह्मा जी की उपासना की, बोले बताओ क्या चाहेंगे, बोले मैं चाहता हूँ ठाकुर जी स्वाभाविक रूप में जैसे कि बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, मेरे कोख से आप जन्म लेना, हैं? आपकी नाड़ी छेद न हो, आपको मैं अंगुली पकड़ करके ठोक ठोक करके चलाना सिखाऊं, पल्ले में झुलाऊं, अपना स्तन पान कराऊं, जैसे बच्चों को माताएं डांटती हैं, ढपटती हैं, शासन करती हैं, आपको भी ऐसे शासन करो, इसलिए आप मेरे बेटे बन कर गया। बोले ठीक है, इसलिए ये कौन बन कर के आए, बोले ये श्री कौन बने, नंदा और यशोदा। नंद यशोदा ये नहीं बने, नंद यशोदा ये भगवान की नित्य परिकर है। कहते ये जब जन्म हुए, कहते इनके शरीर में ये दोनों मिल गए, मिल करके स्वाभाविक रूप में जब इन्होंने बात्सल्य रस का आस्वादन की, इन्होंने भी अनुसरण के रूप में बात्सल्य रस को ने आस्वादन किया है। जैसे देवकी वसुदेव, कहते ये भगवान की नित्य परिकर है, प्रभु का नित्य लीला में ये है, लेकिन जब द्रोण कहते कौन वृष्णि और सुतपा, ये दोनों ने नंद श्री देवकी और वसुदेव का अंदर में ये मिल करके ये प्रकट होते हैं। इसलिए कितना कारण हो गया, चार कारण हो गया। पहले पंचमा कारण क्या है, जैसे कल भगवान बलि महाराज की कथा सुनाई, जब भगवान बलि की दरबार में भगवान वामन बन करके आए ठाकुर जी, ठाकुर तो बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे, इनको देख करके इनके बेटी जो रत्नमाला थी, बोले अगर मेरा ऐसे के बेटा होता है ना, दिन भर गोद में लेकर के मैं लाड लड़ाती, प्यार करती, भगवान भक्त वत्सल है, बोले कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारी बच्चा बन करके आ जाऊँ, मैं तुम्हारी बच्चा बन करके आऊँगा। लेकिन जिस समय उन्होंने दो पग में सब कुछ ले लिए और तीन पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, बोले बड़ा डीबी आग रहा था, इतना दान दूंगा कहीं तुम्हें हाथ पसारने का जरूरत नहीं, बताओ कहाँ तीसरे चरण रखूंगा, बोलो तीसरे चरण कहाँ रखूंगा। तो उन्होंने गौरू जी को बुलाए और नाग भास बंधन में बांध दिए। इनकी बेटी ने देखा कि बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का सब कुछ हड़प लिया, मेरे पिताजी को नाग भास बंधन में बांध दिया, अगर तू मेरे बेटे बनकर आऊंगा ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, मैं तेरे को 20 पिलाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, मैं बेटा भी बन कर जाऊंगा और 20 भी पिलूंगा। वो कौन बन कर के आए, हाँ ये क्या बन कर के आए, बोलो उतना बन कर के आए, हैं? इसलिए उतना ने गोद में लिया ना,
गोद में भी लिया और उनको दूध भी पिलाया। दूध ने क्या पिलाया? जहर पिलाया। ठाकुर जी उनकी इच्छा को रक्षा किया। कितना कारण हो गया? पांच कारण हो गया। छठवां कारण बताए, जब भगवान राम वनवास में गए, इनकी रूप देख करके सुपर्ण का ऐसे बाबरी बन गई, ऐसे बाबरी बन गई, बड़ी सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। और सुपर्ण का क्या कहती है, मैं जैसे सुंदर है ना, तेरे को ठाकुर तेरे को वैसे सुंदर बनाए। इसका मतलब है सुपर्ण का ये कहती है, मैं जितने सुंदर तू इतना सुंदर नहीं हूँ, हैं तेरे से ज्यादा सुंदरी मैं हूँ। इसलिए ठाकुर हमारी जोड़ी बहुत प्यारे बनाए, इसलिए क्या करो मेरे से शादी कर लो। इतने में सीता आ गई। सीता आ गई तो बोले तो ऑलरेडी मेरी पत्नी सीता है, बोले इसकी शरीर में क्या रखा हुआ, हड्डी चमड़ा कुछ है नहीं, देख मैं कितना सुंदर हूँ, इसलिए मेरे से शादी कर, इसमें क्या है। बोले भैया हम तो रघु के लिए सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचना न जाए, हम कभी अपना पत्नी को छोड़ करके हैं, कभी हम दूसरे को हम पत्नी नहीं बना सकते हैं। इसलिए भगवान मर्यादा लीला के लिए ठाकुर ने मर्यादा लीला लीला किया है। मर्यादा लीला में ये दिखाते हैं, कहते हैं एक पत्नी को छोड़ करके हमें और किसी को पीछे नहीं लगनी चाहिए, शादी करके पत्नी को साथ में मर्यादा पूर्वक हमें रहनी चाहिए। इतने में वो लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी लेकर के आया तो बोले हाँ अरे ये भी तो कम सुंदर नहीं, तो बड़े सुंदर है। बोले ये कौन है? बोले मेरे छोटे भैया है। बोले इसको साथ में पत्नी है? बोले अभी तो पत्नी नहीं। बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ? बोले तेरे जैसे मनमान को कौन रोक सकता, पूछ करके देखे। लक्ष्मण के पास में गए, बोले देख मेरे से शादी कर ले, मेरे से ब्याह कर ले। लक्ष्मण बोले मैंने देखा मेरे बड़े भैया राम से कुछ बोल रहे थे। बोले वो मेरे प्रेम की बात नहीं समझा, अभी तुम मेरे प्रेम का तुम ही समझोगे, इसलिए मेरे से ब्याह कर ले। इतने में बोले ये बताओ तो राजरानी बनना चाहती हो ना दासी? बोले राजरानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, अगर मेरी शादी करोगे मेरे साथ में फिर तो जिंदगी भर तेरे को सेवा करना पड़ेगा, और तू राजरानी बनने की क्या स्वप्न देख रहे, जा प्रभु के पास में जा। फिर आया, फिर भगवान राम ने फिर इनकार कर दिया। इनकार कर दिया तो सुपर्ण का इतने क्रोध आया, बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं साधारण नहीं हूँ, मैं रावण का मैं बहनी हूँ। इतने में उसने अपने असली रूप में आ गई, आकर के उसने बोले अभी सीता बीच में जितने गड़बड़ी करने वाली इसको खा जाऊंगी। झपट उठने के लिए गई तो राम ने लक्ष्मण का आदेश दिया इसको नाक कान काट। लक्ष्मण तलवार से क्या किया, उनके नाक कान को काट दिए। जब काट दिए इतने में हाँ, इसलिए यहाँ पर प्रश्न होता है भैया शादी नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन उसको नाक कान क्यों काट दिया? देखना एक स्त्री जितनी सुंदर क्यों नहीं हो उसको नाक कान को काट दो, हर जगत में शादी कोई करेगा? बताओ कोई इसको ग्रहण करेगा? क्योंकि लक्ष्मण कौन है? बोले गुरु जी है। बोले गुरु जी का काम क्या है? बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके उसको भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण समझ गई, क्या समझ गई? उसने हृदय में भगवान को, उन्होंने हृदय में बैठा चुके हैं, ठाकुर जी को बैठा चुके हैं, और भगवान भक्त वत्सल आ गया था इसलिए भगवान भक्त वत्सल भगवान ही कहते, भक्तों की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं। ठाकुर जी भक्त इच्छाओं को, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। भगवान भक्तों की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी करते हैं ठाकुर जी, इसलिए इसलिए लक्ष्मण क्या किया, उसको नाक कान काट दिए। बोले तू राम का ही बन करके रहो और किसी को तुम बनने नहीं चाहिए हैं। और सुपर्ण का क्या कर रही थी, उन्होंने भगवान को अगर किसको पाना है ना, इसलिए वृंदावन में जाओ तो सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से। तो वृंदावन में राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं? बोले जब तक तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो ना, जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो तब तक श्याम सुंदर कृपा नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं ना
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी चंचल तो भाई बिहारी, राधा रानी चंचल तो भाई बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। लेकिन इस सुपर्ण का क्या कर रहे, बोले सीता जी को हटा करके वो बीच में डायरेक्ट प्रभु राम को पाना चाह रही थी, इसलिए भगवान राम ने क्या बोले लक्ष्मण को, इसके नाक कान को काट दो, इसकी नाक कान काट दो। शिक्षा देते हैं अगर कोई व्यक्ति सीता जी को छोड़ करके, सीता जी को अपमान और राधा जी को छोड़ करके अगर कोई राम और श्याम को पाना चाहते हैं ना भैया, असंभव है, हैं असंभव है। इसलिए राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण कृपा मिलेगा और सीता जी की कृपा से श्री भगवान राम की हमें भक्ति मिलेगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय जय। इसलिए कहते वही जो सुपर्णा की कृष्ण लीला में ये कुब्जा बन करके आई और ठाकुर जी ने कुब्जा को ऊपर में ठाकुर जी ने कृपा की है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए इसको पीछे भगवान कृष्ण जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, हमारे गोस्वामियों ने इसको पीछे उन्होंने बहुत बहुत सारे उन्होंने कारण को उन्होंने बताए। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में गए, इतने में श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम को बोले चलो हम थोड़ी ये जनकपुरी दर्शन करके आते हैं, तो उन्होंने श्री विश्वामित्र जी से आदेश लिए, बोले गुरु जी हम थोड़ा ये जनकपुरी दर्शन करके आए। बोले जाओ दर्शन करना नहीं, दर्शन दे करके आओ। जब राम लक्ष्मण तब जनकपुरी में उन्होंने प्रवेश किया, जो एक बार राम लक्ष्मण को देखा पूरा जनकपुरी में हल्ला मचा दिया। बोले श्री राम लक्ष्मण की yeah। उनको दर्शन करने के लिए पूरा जनकपुरी उमड़ पड़ा। इतने में जो सीता की जो सहेलियां थी, वहां के जो कुंवारियां थी, ये सबके सब झरने से कोई दर्शन कर रहे थे, कोई छत के ऊपर से कोई दर्शन कर रहे थे, छत के ऊपर से जो दर्शन कर रही थी। लेकिन इनको माता जी पीछे बैठ कर बात नहीं करना, दोनों चुप कर बैठो, दो अलग हो जाओ, दोनों अलग हो जाओ। इसलिए कहते जो झरने से दर्शन कर रहे थे उनको तो ठीक दर्शन हो रहा था, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी होकर दर्शन कर रही थी उनका दर्शन सही से नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान जो राम थे वो कभी भी अपना सर उठा करके कभी नहीं देखते थे, पराई स्त्रियों के ऊपर तो प्रभु राम कभी भी नजर नहीं डालते थे।
जब चलते थे स्वर को नीचा करते हुए प्रभु चलते थे। क्यों? प्रभु मर्यादा, प्रभु ने मर्यादा सिखा दिया है, अपना पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों को कभी नहीं देखनी चाहिए, इसलिए वो मर्यादा से सर नीचा करके चलते थे। लेकिन ऊपर जो सब सखियां थी उनका दर्शन नहीं हो रहा था। इतने में उन लोगों ने ट्रक खासे, मतलब अगर थोड़ा हो सकता प्रभु थोड़ा ऊपर को देखे प्रभु का दर्शन हो जाएगा, लेकिन भगवान देखने वाले है। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण कौन? बोले गुरु। बोले गुरु क्या करता है? बोले शिष्य को भगवान को साथ में, जीव को भगवान को साथ में मिलन कराता है, हैं? इसलिए लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु तो ऊपर नहीं देख रहे, सब सखियां सब चातक पकी जैसे ऊपर खड़ी है प्रभु का दर्शन करने के लिए। लक्ष्मण ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु देखो आपका जो सखियां है ना, ये सबके सब सत को ऊपर दर्शन करने के लिए तरस रही है, एक बार दर्शन दे दो। भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये जनकपुरी है, मायापुरी है, इधर उधर नजर नहीं डालना, सीधा करके चलो। लेकिन फिर सखियों ने थोड़ा खासे, जब खासी इतने में फिर लक्ष्मण ने बोले प्रभु एक बार दर्शन दे दो। देखो हम जीवन में क्यों संतों का शरण लेते हैं, जीवन में हम क्यों सदगुरु का आश्रय क्यों ग्रहण करते हैं, इसका रहस्य क्या है? बोले रहस्य है कहते हमारे अंदर में समर्थ नहीं अपना साधन भजन के द्वारा भगवान को दर्शन कर ले। लेकिन जब कोई संत हमारे ऊपर कृपा कर देता है, जब कोई शुद्ध भक्तों का कृपा हो जाए ना, जब वो हमारी हो करके ठाकुर जी को प्रार्थना करते ठाकुर जी आप ये जीव को पर थोड़ा कृपा कर दो। इसलिए हमारे एक संत भक्ति विनोद ठाकुर जी तो वो क्या कहते हैं, बोले वैष्णवे आवेदनी कृष्ण दया माया पापार प्रति आवेना सदा वैष्णवेरा निवेदना वैष्णव चरणी कृपा करी संगेला कीर्तन है। इसमें कहते हैं जब कोई संत हमारी हो करके श्री ठाकुर जी को प्रार्थना करे ठाकुर जी ये जीव को ऊपर काम कृपा कर दो, ठाकुर जी फिर उसको ऊपर में ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। जैसे मोदी अभी ये प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई साधारण व्यक्ति मोदी से मिलना चाहे मिल सकता है? इतना आसानी नहीं। लेकिन अगर मोदी का है, मोदी का जैसे अमित शाह उसका डांड आप है, अगर कोई अमित शाह को साथ में अगर किसका परिचित हो फिर उसका कोई एप्लीकेशन लिखने का जरूरत है? अमित शाह बोल मोदी से मिलना है ना, आना, कोई जरूरत नहीं कुछ करने का, उसका हाथ पकड़ कर क्या करेगा, वो मोदी से मिला देगा। क्या ठीक उसी तरह जब हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भैया हमारी हिम्मत इतना नहीं जो ठाकुर जी से हम मिल जाए, अगर ठाकुर के नजदीक के कोई व्यक्ति हो अगर उनकी शरण में चले जाए वो क्या करेगा, बोले ठाकुर इससे मिलना है ना, फिर चिंता क्यों करते हो, आओ मेरे साथ में आओ, वो लेकर के हमें ठाकुर जी से उन्होंने हमें मिला देगा। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी ये गुरु जी है, अगर लक्ष्मण जी की अगर किसको पर कृपा हो जाए ना, बस ठाकुर तो अपने आप कृपा कर देंगे। इसलिए लक्ष्मण जी जब प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जी आपका सखियां सबके सब तरस रही है दर्शन देने के लिए, आप थोड़ा दर्शन दे दो, अभी तो मानना पड़ेगा लक्ष्मण की बात। इतने में भगवान राम ने जब ऊपर एक बार देखा, एक बार दर्शन करते ही राम का रूप जितने सखियां थी ना ये सबके सब बेहोश हो गई। जब उनकी होश आई सबके सब प्रभु राम के चरण में पड़ गई, बोले प्रभु हमसे विवाह कर लो, हमसे शादी कर लो। राम ने कहा लक्ष्मण पहले मैं मना कर रहा था, ऊपर देखना नहीं, देखो ये सब के सब पीछे पड़े, बोले शादी कर तू शादी कर। लेकिन प्रभु राम बोले देखो ये अवतार में तो मैं एक सीता के सिवाय और किसी को मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम सबके सब द्वापर युग में मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आयो, तुम्हारी समस्त इच्छा को हम पूरी करेंगे। देखो एक चीज बात चल समझो, हमारे जो कृष्ण है ना जो बांके बिहारी वो बड़े दयालु है, वो बड़े कृपालु है,
जिनको किसी ने भी ग्रहण नहीं किया ना, हमारे बांके बिहारी उनको ग्रहण किया। ठाकुर जी हमें हैं, इसलिए भले ही कोई कुगड़ी बन करके नहीं आई, जैसे कुब्जा आई ठाकुर उसको ऊपर में कृपा की, जो पुतना बन करके आई राक्षस बन करके आई ठाकुर उसको ऊपर में कृपा की। इसलिए कृष्ण ऐसे के देवताएं, अगर किसी रूप में प्रभु कृष्ण को शरण में चले जाओ, भगवान सबको स्वीकार कर लेते हैं, ठाकुर किसको छोड़ते नहीं। ये कन्हैया बांके बिहारी ऐसे के ठाकुर है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम। इसलिए इसका पीछे बहुत कारण बताए, किसी लिए भगवान कृष्ण अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी ने क्यों जन्म लिया। गत गले हम लोगों ने श्रवण किया था, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में श्री नंद के लाला बन कर कैसे आए, ये कथा को सुनेंगे। सब ध्यान लगा कर सुन। इसलिए कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते इनके पांच पुत्र थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। इनकी पांच बेटे थे। अभी श्री परजन बाबा ने देखा बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादी हो गया है, हमें जान बुझ करके इस संसार की माया में हमें टांग अड़ा करके नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि घर घर में भक्ति करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये जीवन दुर्लभ, इसी जीवन में ही प्रभु का भक्ति हो सकती है, और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं होगा, इसलिए ये मानव शरीर नहीं, हम 84 लाख जनी भ्रमण करते करते ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं, इसलिए इसी जीवन पाकर हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए हैं। इसलिए भागवत में बताए 50 ऊर्ध्वे वनम प्रज, मतलब 50 साल के बाद में कहते घर में नहीं रहनी चाहिए, मना कर दिया है। कहते 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, उसको बाद में देखो अंक क्या आता है, एकाबन, मतलब घर में नहीं बन जा, बा बन बन चौर बन, ये बन बन शब्द आता है, मतलब घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन मिला इसी जीवन में भक्ति होगा, इस जीवन में भक्ति नहीं होगी, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जो वृंदावन जा करके संतोष संग करते हुए भगवान की भक्ति में जीवन को लगा देनी चाहिए। अगर बन नहीं कर प्रभु का भजन नहीं किए, फिर उसको बाद में जो अंक आती है ना, कहते 69 60 61 ये 60 60 बच्चे बात नहीं करना, चुपचाप बैठो। इसलिए कहते 69 60 ये मतलब क्या है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम सठिया बन जाएंगे हैं, फिर तो भक्ति करना बड़ा कठिन है जीवन में, इसलिए समय रहते हुए क्या करो, जीवन को भगवान की भक्ति में लगा देनी चाहिए। एक दिन से परजन महाराज अपना पांच बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गया, तुम्हारी बच्चे भी हो गए, अभी हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी अभी हैं, अभी जा करके हम भगवान की भजन करने के लिए जाए जंगल में। इसलिए जो सबसे जो बड़ा बेटा है जो उपानंद, को हम सिंहासन में बैठा करके जाना चाहते हैं, लेकिन उपानंद ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता मेरे में नहीं, कि जो मझला बेटा जो नंद है ना, राजा बनने का जो यही है, राजा कौन बन सकता है। इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद मतलब होता है सबको जो आनंद दे हैं। तब नंद बाबा ने आनंद कैसे दिया, तब भगवान कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण कौन है, ये आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, हम लोग कृष्ण भक्ति करके तो आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए बोले श्री नंद बाबा को ही राज सिंहासन पर बैठा दो, सब लोग राजी हो गए, तब उनको राज सिंहासन में अभिषेक कर दिए। परजन बाबा और उनका पत्नी जो बरियसी, ये दोनों चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, उन्होंने चले गए। देखो अगर अभी तो 50 साल के बाद, 51 52 मतलब वन में जाकर भजन करो, लेकिन अगर हम वन में नहीं जा पा रहे किसी कारण से, गए तो अच्छी बात है, वहां पर सत्संग करते हुए
जीवन को जितना बचा बचा हुआ जीवन है उसको भगवान की भजन में लगा। अगर हम वन में नहीं जा पाए कम से कम घर में तो बैठकर बैठे ना, दिन भर टीवी देखते रहे, स्मार्टफोन चलाते रहे, बैठ करके जू हाँ पासा खेलते रहे, ताश खेलते रहे, नहीं, ये जीवन को ऐसे नहीं बितानी चाहिए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन नहीं कहती है, कोहिनूर हीरे ठाकुर जी हमें दिया है, हैं कोहिनूर हीरे प्रदान किया ठाकुर जी, ये जीवन को ऐसे गप्पे मार करके ये जीवन बिताने का नहीं, क्योंकि अगर एक बार ये जीवन नष्ट हो जाएगा भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं, हैं? इसलिए इन्होंने सब चार बच्चों को तो बच्चे हैं, लेकिन श्री नंद बाबा का घर में कोई बच्चा है, इन्होंने एक बच्चे के लिए बड़ी चिंता की, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, उन्होंने दान पुण्य यज्ञ बड़े बड़े काम किया लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन देखा एक एकादशी आ रही है जिसका नाम था पुत्र का एकादशी, मतलब जो एकादशी व्रत करने से घर में पुत्र की जन्म होता है। जब उन्होंने पुत्र का एकादशी व्रत की, ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखते हैं करी करी वो स्वप्न सही होता है। वो स्वप्न क्या था, श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तवांतस्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमयम् लोक्यते। स्वप्न देखा आकाश में बिजली चमकते हुए दो बच्चों को, सामने श्याम रंग के और पीछे एकदम गौर रंग के दो बच्चों को देखा, और दोनों बच्चे ने श्री नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया, और इनके हृदय से फिर उन्होंने श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश किया, और देखा मैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर एक श्याम सलोना सा बालक किलकारी मारते हुए मां की स्तन पान कर रही थी, और दोनों धार से दूध बहते हुए जैसे बच्चा का जैसे कुर्ता भीग रहा था। हैं, ये किसने स्वप्न देखा, नंद बाबा ने। जसोदा ने क्या स्वप्न देखा, उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक श्याम रंग का पीछे पीछे आ रहा है, कपड़े पकड़ करके बोले मैया मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को दूध पिला ले, मेरे बचल रहा था। उन्हें ये स्वप्न देखा, सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा ने गर्भ धारण की। जब गर्भ धारण की ब्रज में हला हो गया, नंद के लाला होने वाले हैं, और ये वृद्धावस्था में नंद के लाला होने वाले हैं, अरे ब्रज में जय जयकार हो रहा है, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे देश का भविष्य जो राजा जन्म ग्रहण करने वाले। अभी मैया जसोदा जब गर्भवती धारण की, देखना गर्भ में जो बच्चे रहते हैं माताओं को चटपट चीजें अच्छी लगती है, मिर्च मसाला खट्टा मीठा ये सब चीज खाती है। मैया बोली मेरे मन में तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़ी सुंदर गैया दूध और उसमें किशमिश काजू घी डाल करके मिश्री डाल करके बड़े सुंदर खीर बनवाया, और उनने ठाकुर जी को तुलसी पत्ता से भोग लगवाया, और श्री मैया जसोदा को उन्होंने खीर खिलवाए। एक बड़ी बड़ी गोपी ने बोली बोली मैया लगता है तेरे जो पेट में है ना ये लाला होने वाला है। बोले तेरे को कैसे पता चला, बोले तुम्हारे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब है बेटा होने वाला है। एक बड़ी बड़ी गोपी बोली बोले मैया तुमने जब कुंवारी पण में जुड़वा केले तो नहीं खा ली, बोले क्यों, बोले लगता है तुम्हारे पेट में दो बच्चा हो। मैया तो डर गई, पहला बार बच्चा होने वाले, अब बोले दो दो बच्चे हुए तो डर गई, बोले अब क्या होगा, बोले कोई चिंता मत करो, भगवान राम जो करेंगे अच्छे ही करेंगे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। इतने में मैया जब गर्भ धारण की थी, एक होता है गर्भ संस्कार, माता है ध्यान देकर सुनो, एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है जब गर्भ में बच्चा होना, उसी समय में माताओं को गीता रामायण हो भागवत हो ये सब चीज को माताओं को पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ेंगे ना तुम्हारे पेट में जो बच्चा बड़े संस्कारी बन करके जन्म लेगा। अगर पेट में बच्चे रहते समय उल्टा सीधा अगर बात सुनोगे बोलोगे लड़ाई झगड़ा करोगे फिर उल्टा पुल्टा सिनेमा देखोगे ना फिर तो बच्चा बड़ा दुष्ट बन कर निकलेगा। ये सब निर्भर करता है गर्भ संस्कार का समय है। इसलिए आप लोग रामायण देखे होंगे, लव कुश देखे हो, कौन कौन लव कुश देखे हो, रामायण में लव कुश देखेंगे नहीं आप लोग, संत लोग वहां पर आए तब तो भगवान राम ने
सारे संतों को राज दरबार में बुलाए, बुला करके वहां पर सत्संग करवाए और मैया सीता को बोले सीता अभी तुम गर्भवती हो, अगर इसी समय में तुम संतों की अच्छी कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे, बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। आप लोग महाभारत भी देखे होंगे, जब महाभारत युद्ध हो रहा था इतने में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना है, लेकिन एक अर्जुन का सिवाय इसको कोई नहीं भेद करना जानता था। अभिमन्यु ने कहा मैं जानता हूँ, बोले कैसे तुमने सीखा कहाँ से, बोले मेरी मैया सुभद्रा मेरे पिता अर्जुन जब सो रहे थे मेरी मैया सुभद्रा मेरे पिता जी से पूछे, बोले ये चक्रव्यूह क्या होता है। अरे अर्जुन ने चक्रव्यूह की बात सुनाया, कैसे चक्रव्यूह में भेद करेंगे, लेकिन निकलेगा कैसे बताना चाह रहे थे मेरी मैया सुभद्रा सो गई फिर और मेरे पिताजी सुनाए नहीं, इसलिए मैं गर्भ में बैठ बैठ कर मेरे को याद होगी। देख रहे हो कितने गर्भ संस्कार कितने प्रभाव है, इसलिए मैया जसोमती जब गर्भ धारण की थी उनको भगवान की कथा सुनाया करते थे, सुंदर सुंदर भगवान की तस्वीर देखते थे, क्योंकि जो चीज माँ देखे ना वो प्रभाव बच्चे के ऊपर संस्कार वही पड़ता है संस्कार उसको पड़े है। प्रहलाद महाराज इतने विद्वान कैसे बने, बच्चों ने जो पूछा प्रहलाद तो इतनी अच्छी अच्छी बात कहाँ से बता रहे हो, हमारे जो गुरु जी संधा मर गए तो बात बताई नहीं, बोले जो मेरे माँ के पेट में था नारद जी ने मेरी मैया की सब बात सुनाई, हर मैं मैया के पेट में बैठी बैठी सब कथा की याद कर दिया है। इतने में ऐसे लग रहा था जैसे आज रात को ही किसी बेटा का जन्म हो जाएगा, लेकिन नंद बाबा का एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो छह छह महीना पहले आकर बैठी थी, क्योंकि भैया का बेटा होने वाला कद सोच रही है, जब भैया का बेटा होगा ना घर पर मेरे को नबल्ला की हार मिलेगी, इसलिए घर का सारे काम काज को वही कर रहे थी भाग भाग कर भी है। कल देखो एक काम करो, लगता है आज रात कोई बेटा जन्म लेने वाला है, गांव में 8 बजे सो जाते हैं, बोले दो घंटा ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12 करके ड्यूटी लगवा दो, और एक काम करो मजीरा और ढोलकी लो बैठ कर कीर्तन करो, पता नहीं कब बच्चा जन्म हो जाएगा। बोले 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगवाए उनने तो बड़ी सुंदर कीर्तन की, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद अभी 10 से 12 बजे तक दिन को ड्यूटी लगाए, इतने में जोग माया ने किया थी सबको सुला दी, पता नहीं वसुदेव महाराज मथुरा से कब बेटे को लाए और बेटे को लाकर यहाँ से बेटी को लेकर चले, किसको पता नहीं चला हैं, पता नहीं चला, सबके सब सोए पड़े हुए मोहन निद्रा में जोग माया सबला चुला दी। इतने में सवेरे सवेरे सुनंदा की नींद खोली, बोले भैया सबके सब सोए पड़े हुए भाभी का क्या हालत है, जा करके दरवाजा खोल करके देखा वहां पर तो भैया जसोदा की गोद में बड़ा सुंदर श्याम सरना सा एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है, बोले भैया बेटा कब जन्म हो गया किसको पता ही नहीं चला। इतने में उन्होंने एक थाली को लेकर के जोर जोर से नंद भवन में पीट पीट करके हैं जोर जोर से, बोले भैया नंद के लाला है गए हुए सबके सब उठ जाओ सबके सब उठ जाओ, बोले श्री नंद के लाला जोर जोर से हैं थाली लेकर बजा दिया, सबके सब जग गए। जग गए तो बोले भैया नंद बाबा कहाँ है, नंद बाबा तो है नहीं,
पहला खबर नंदबाबा को ढूंढो मेरे को नवला की हार मिली। तब उन्होंने ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट भी गए, वहां पर देखा नंद बाबा पहले लोग क्या करते थे, पहले स्नान करके सवेरे सवेरे माला जप करते थे, ठाकुर जी की सेवा पूजा लोग पहले ऐसे करते थे। पहले तो टीवी नहीं होता था, टीवी खोल कर बैठ गए, नहीं तो पहले चाह लाओ, भजन भजन से कोई मतलब नहीं, पहले टीवी खोल कर बैठ जाओ चाह नहीं। हर व्यक्ति पहले क्या करते थे, बड़े बड़े व्यक्ति आप लोग घर में देखे होंगे, पहले गोपाल जी को स्नान कराते, चरणा में लेते, ठाकुर जी का आरती करते, ठाकुर जी को सेवा पूजा करते थे लोग सबके साथ। इसलिए जाकर देखा नंदा हुआ तो ब्रह्मांड घाट में बैठ करके ना माला जप कर रहे थे, और माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब होगा, घर में छोरा कब होगा, छोरा कब होगा, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जा करके बोले भैया कमाल है गए हुए, इतना बोलते तो वहां पर श्री नंद बाबा छलांग लगा दी। बोले बहनी कहा गए हुए, बोले भैया 6 महीना से मैं बैठी हूँ, कितना दिन से बैठी हूँ, बोले 6 महीना से बैठी हूँ नवला की हार की चक्कर में, बताओ पहले क्या मिलेगा, हाँ पहले क्या मिलेगा बताओ। बोले ले ये नवला की हार तो ले ले, बताओ घर में क्या हुआ है। बोले भैया नवला की हार कुछ नहीं, इतना बड़ी बात है। बोले नवला की हार है, बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, छोटी मोटी बात नहीं है, बताओ और क्या दोगे। बोले ले जमुना किनारे में जितने गैया चरते हैं ना, जितना जमनी जगह तेरे नाम पर सारे जमनी जगह तो वो हम लिखवा देते हैं, बताओ घर में क्या हुआ। बोले भैया बात इतने बड़ी है ना, जिसको सामने भी कुछ नहीं। बोले क्या, नवला के हार में ले गया तेरे को, सारे जमनी जगह दे दिया तभी पेट नहीं भरा है। बोले बाबा बात भी तो बहुत। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले, लेकिन बता तो घर में क्या हुआ है। बोले भैया तेरे घर में लाला हुआ है। बोले श्री नंद के लाला की जय। हम लोग ताली में हैं, हाय नंद बाबा वहीं से ही दौड़े, क्योंकि कितने कठोर उन्होंने जाग जग्या तपस्या उन्होंने क्या नहीं किया घर में कि बेटा की जन्म हो जाए हैं। इतने प्रसन्न हुए जब वहीं से भाग रहे थे ना, इतने में जितने वहां बड़े बड़े थे बोले बाबा जीवन में पहला बार तुम लाला का मुख दर्शन करोगे, लेकिन पहले सद्धज करके तो जा। बड़े सुंदर उनको बगल बंदी धोती पहना दिया, बड़े सुंदर उनको टोपी हाँ उनको पहना करके, सुंदर उनको तिलक गले में माला पहना करके बोले नंद बाबा अभी जाए, अभी जाओ जा करके लाला का मुख दर्शन करो। जब उन्होंने नंद बाबा आए और उन्होंने बेटे को उन्होंने दर्शन किया, बेटे को दर्शन करके इतने प्रसन्न हुए, बोले मैं तो ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया में दान दूंगा हैं, और सींग को सोने में बढ़वा करके, खुर को चांदी में बढ़वा करके, और 7 तिल की पर्वत, तिल दान बड़ा दान मानी जाती है, 7 तिल का पर्वत में दान करूंगा। उन्होंने पहले संकल्प कर दिया, कहते नाड़ी छेदन से पहले संकल्प किया है, और उन्होंने बोले ये संतों की ब्राह्मणों का आशीर्वाद से मेरे को ये बूढ़े उम्र में लाला का दर्शन मिला। पहले संतों को ब्राह्मण बोला, ये पहले स्वस्ति वाचन पढ़ करके मेरे लाला को आशीर्वाद दे। सारे ब्राह्मण संत आए, बड़े स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को आशीर्वाद दिया। एक नाई को भेज दिया, जाओ घर घर में जा करके नौता दे दो, नंद के लाला हुआ है, सबके सब दर्शन करने के लिए आए। और जितने गोपियां थी ना, वो तो 6-6 महीना पहले 84 से 84 गज के लहंगा चुंदरी बना बना कर रखे थे, बड़े सुंदर अलंकार को, और जितने गोप लोग थे बगल बंदी धोती और पगड़ी बना कर रखे थे, ये सबके सब श्रृंगार करके जितने गोपियां थी 3-4 मटकी में, एक में दही, एक में दूध, एक में मक्खन, एक में घी मिश्री लेकर के सर पर मटकी में धर करके सबके सब बधाई देने के लिए आ रही। जब आ रही थी गोपियां अपना कानों में कुंडल पहन रही थी, वो कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों, बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम कृष्ण को जाकर के बधाई दी। पहले माता ने अपना जो चोटी है ना सुंदर फूल से बांध दी। आप कभी दक्षिण दक्षिण में जाना, देखना जितने स्त्रियां देखोगे दक्षिण में, शाम को सबके चोटी में देखोगे फूल की माला,
वहां के रिवाज है, सबके सब ठाकुर का दर्शन करने जाएंगे, श्री रंगनाथ जी को दर्शन करने जाएंगे, सबका नियम है, सब दर्शन करने जाएंगे और चोटी में सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार करते हुए जाएंगे। उनको चोटी में सुंदर फूल की श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते ये गोपियों के चरण में गिर रहा था। बोले टीकाकार कहते हैं कि चरण में क्यों गिर रहा था, बोले कारण है जो ठाकुर जी को दर्शन करने जा रहे हैं उनके चरण की पूजा करनी चाहिए। अगर इनकी चोटी में रहेंगे तो ये क्या करेंगे, अरे खोल करके यमुना में बहा देंगे। अगर ब्रज रज में हम मिल जाएंगे, कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होकर के गली गलियों में प्रभु घूमेंगे, उनका चरण स्पर्श मिलकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतने में जितने माता जी थी ना, ये सबके सब मैया जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो इधर सुना, मैं बोलूंगा मैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। ठीक, जब मैं बोलूंगा बोले मैया जसोदा बधाई हो, आनंद नहीं आया। कुछ माताएं अभी भी चुपचाप बैठे हैं, और जोर से बोलना बोले मैया जसोदा बधाई हो, मैया बोली बधाई हो, बधाई हो गोपियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम लोगों का लाला है, हैं? इतने में जितने सब गोपियां थी ना, कृष्ण को बधाई दे रही थी, क्या बोल रही थी, बोले जुग जुग जियोरी जसोदाइया तेरो देखो सब ध्यान देकर सुनो। देखो नियम है, हमारी भगवान राम क्या शिक्षा देते हैं, बोले प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमा। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरणों को स्पर्श करते थे। अब देखना, आप किसी के चरण में झुक जाओ, किसी को प्रणाम करना, अब देखना स्वाभाविक रूप में उसकी हृदय से आशीर्वाद आएगा कि नहीं। किसी को भी चरण छू दो, देखना आपका सर पर हाथ रखेगी नहीं, रखेगी। अगर आप बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद मिलता है ना, आप लोग देख लेना, जब बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद मिले, भाग्य रेखा भी कभी कभी बदल जाती है। इतनी बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद से इतने शिक्षा, इतने शक्ति है। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके अगर पिता माता हो तो उनकी चरण की प्रणाम करनी चाहिए, अगर पिता माता नहीं, अगर सास ससुर है उनकी चरण की वंदना करनी चाहिए। कौन कौन करते हो, कौन कौन सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छूते हो? एक माता जी देखो हाथ उठा दिए, आप तो स्वयं पिता माता, फिर आप किसका चरण छूओगे, अपना पति की चरण छूते। बहुत अच्छी बात है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी, बिल्कुल ताली बजाओ, फिर कौन से पति की चरण छूते, जिनकी पति होगा चरण छूनी चाहिए, और जिनकी पिता माता हो चरण छूनी चाहिए, और जिनकी सास ससुर हो ना उनको भी चरण छूनी चाहिए। देखो जितने बहू हैं ध्यान देकर सुन लो, अगर सवेरे उठ करके सास ससुर की चरण छूती हो कितना लाभ, देखो माना एक व्यक्ति के दो बेटे होने तो तीन बेटे हो, है बात मत करो। इसलिए अगर अगर तीन बेटे हों, जो उनका तीन बहू है, देखना जो बहू सास ससुर की सेवा करती है, घर का जितने सोने चांदी किसको पास में रहता है, किसको पास में, सास को पास। एक दिन बंटवारा होता है, जब बंटवारा होगी
जो बहुत ज्यादा सेवा करती है ना, देख लेना क्या करेगी, वो क्या करेगी, बंटवारा होने से पहले जो बहुत सेवा करेगी ना उसके लिए अलग निकाले रखते, ये बहुत सेवा करती अलग छुपा कर बैठी तो इसको रख लिया, क्योंकि अभी सब चीज बंटवारा होने जाएगा ना, बराबर होएगा, तो मेरी सेवा की हो इसका तो रख, लाभ ही लाभ है, इधर तो लाभ ही है, और दूसरे तरफ में अगर हम भी अगर सास ससुर की सेवा करेंगे, हमारे बच्चे भी वो चीज देखेंगे, उनको भी पता चलेगा मेरी हैं, उनको भी पता चलेगा, क्या पता चलेगा, वो भी तुम जैसे करोगे ना, वो भी तुम्हारी ऐसी सेवा करेंगे, देखेंगे ना मेरी मैया सास ससुर सेवा करती थी इसलिए वो भी तुम्हारी सेवा करेगी, अगर खुद हम सेवा नहीं करके फिर हमारी सेवा कौन करेगा, कोई करेगा नहीं, इसलिए वृद्ध लोगों का बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद हमें लेनी चाहिए। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए जितने माताएं सब के सब हृदय से कन्हैया को आशीर्वाद दे रही थी, क्या आशीर्वाद, जुग जुग जीवे रे जसोदा मैया तेरो ललना, सब के सब हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। इतने में जितने गोप लोग आकर के श्री नंद बाबा को भी बधाई दे रहे थे, अभी सबके सब तो आ गए, लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति आने में बाकी है, तभी नंदो उत्सव होगा, दो व्यक्ति कौन कौन, कहते एक है वृषभानु महाराज और एक है कृतिका कुमारी, कृतिका कौन है, राधा रानी की मैया, वृषभानु महाराज उनको पिता, ये दोनों आ जाए ना, क्यों ब्रज में दो ही राजा है, एक वृषभानु महाराज एक नंद बाबा, ये दोनों में बड़ी मित्रता थी, ये कहीं जाते थे ना, ज्यादा दूर नहीं रहते थे, पास पास में रहते थे, जैसे बरसाना में जब वृषभानु महाराज रहे, नंद बाबा नंदगांव में रहे, जब श्री नंद बाबा गोकुल में रहे, वृषभानु महाराज रावल में रहे, ये करके पास पास में रहते थे, उनको बधाई, उनको निमंत्रण दिया मेरे घर में, लाला भयो आप आओ, इसलिए वृषभानु महाराज जब देखा उन्होंने आए, आते ही अभी कृतिका सुंदरी सर पर तीन चार मटकी में दूध दही लेकर के आई, अभी नंद उत्सव प्रारंभ होगा, एक गोप ने क्या किया, डंडा लेकर ना वो मटकी को मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से मैया कृतिका का स्नान करी, और एक होता है दही का दिन, दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को शरीर पर लगाते, ये मंगलवाची एक दूसरे को शरीर पर लगा रहे थे, और इतने दूध दही वहां पर आया, सब कीच कीच हो गया, और एक व्यक्ति फिसल फिसल करके एक दूसरे के ऊपर में गिर रहे थे, अब बोल रहे थे बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद 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 के आनंद भयो सबके सब गा रहे थे, एक एकदम बड़ी बुरी गोपी जिनकी उम्र करके 100 साल हो गई, वो भी आई थी नंद उत्सव में, इसको एक भी टांक नहीं थी, वो ऐसे करके देख रहे थे, बोले बाबा रे बड़े उत्सव हो रहा है, और मक्खन टेले की टेले उठा उठा करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, वो गोपी तो ऐसे मुंह खोल कर देख रही थी, एक गोप ने क्या किया कि मक्खन की टेला ली, टेला लेकर के उसको मुंह को लक्ष्य करके सीधा मारे, उसको तो एक दांत थी नहीं, ए मुंह में लगा तो सीधा अंदर में सटक गया, बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, बड़े खुश हो रहे थे, और नंद बाबा की जो ये था आंगन, राजा का आंगन ना बहुत बड़ी था, वहां पर तो नंद बाबा का घर भी नहीं लाग गया है, वहां तो दूध दही की नदी बह रही थी, इतने दूध दही लाए, उत्सव इतने जोर शोर से हुई, पूरा उनका आंगन दूध दूध में भर गया, ऐसे लग रहा था जैसे एक समुद्र है, दूध की समुद्र जैसे, और नंद बाबा बैठ बैठ कर मटक मटक करके देख रहे थे, गोबर ने कहा नंद बाबा
आज तेरे घर में लाला भयो रे और सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं गा रहे हैं और तुम मटक मटक करके देख रहे हो। अरे कम से कम आज का दिन थोड़ी सी नाच कर ले, पकड़ करके ले आए। कौन? नंदगा बरसान का गोप कहाँ ले आए? बोले एकदम नंद भवन के आंगन के बीच में, नंदों का देखने में कि एकदम गौरवर में बड़े लंबे चौड़े कमर में फेटे बांध कर रखे थे। फेटे की एक तरफ को नंदगांव के गोप ने, दूसरे तरफ में बरसाना के गोप, दोनों तरफ में पकड़े हुए। ऐसे लग रहा था मानो ये दूध समुद्र, खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। दोनों तरफ में पकड़े, बड़ी सुंदर वर्णना किया है। कल हम सुन रहे थे ना, जब लवण समुद्र मंथन हुई, सबसे पहले हलाहल बीस निकला। और बीस को किसने पान किया? भोले बाबा ने। और पान करके कहाँ पर धारण कर लिया? कंठ में। इसलिए शंकर जी का एक नाम क्या बढ़ गया? बोले नीलकंठ महादेव की। हाँ देखो, ये जो शंकर जी है ना, हम लोगों को एक बहुत अच्छी सिख्या दी, विशेष करके माताओं को। माता ही सिख्या को लेकर के जाओ। कहते कोई गंदी चीज हो अपना हृदय में मत रखा, कोई गंदी चीज हो उसको अपना मुंह में भी मत रखा करो, हैं? कोई गंदी चीज उसको कंठ में रख लो, कंठ में धारण कर लो। अगर कोई गंदी चीज मुंह में धारण करोगे क्या होगा? घर में लड़ाई झगड़ा होगा। बताओ ये महाभारत किसलिए हुआ है? द्रौपदी केवल इतनी सी बात बोल दी थी, अंधा का बेटा अंधा है। इतनी सी बात, ज्यादा नहीं, इतनी सी बात से पूरा के पूरा ये महाभारत रच गया। और एकदम खून खोल के नदी बहने लगी, कितने लोग मरे। देखना हमारे घर में भी कभी कभी महाभारत हो जाता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, हाँ ध्यान देखकर सुनो, हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है। देखो अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठने लगी है, पैर में हड्डी चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बताओ जोर से बोलो। बाबा पंडित बैठा है। हाँ, ये जीव में केवल हड्डी नहीं, इसलिए जीव ना एकदम बंद कभी नहीं, लपर 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 लपर। हम देखते हैं सत्संग में भी आकर के ना, यहाँ भी चुप कोई नहीं बैठते, इसलिए अगर यहाँ भी अगर कोई पास में बैठा हुआ तो वो भी आपस में बात करने लग जाते हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं। इसलिए ये जीवा में हड्डी नहीं होने का नाते ये चुप नहीं रहता है। इसलिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले देखो ज्यादा बोलना है ना, दिन भर बोलना है ना, कोई बात नहीं, बोले रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करो। जब चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, भगवान एक अच्छे शिक्षा दिया। बोले देखो सबके घर में मैं नहीं खाता, खाना खाता, भोजन नहीं करता। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करता हूँ। लखपति मतलब आज से 5.5 साल पहले लखपति, लखपति कोई साधारण था नहीं, मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उसको घर में भोजन करता। भक्त लोग बोले प्रभु हमारे घर में 1000 भी स्वर्ण मुद्रा है नहीं। 1000 की बात छोड़ दो, 100 भी स्वर्ण मुद्रा नहीं। आप कहते हो जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उसको घर में भोजन करोगे, अरे हमारे घर में तो कोई भोजन करोगे नहीं। देखो ठाकुर जी कितने अच्छे, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करता है वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली कृष्ण नाम के लिए मोदे मैं बिखरा हूँ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली राम नाम के लिए मोदे। Thank you.
कौन है जो रोजाना 1,00,000 जप करते हैं, वो असली लखपति है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, ज्यादा बोलने की इच्छा कर रहे हैं ना, जीभ में खुजली मच रही ना, जीभ में खुजली मचती है ना ज्यादा बोलने की। महाप्रभु बोले माला लग रहे हरिनाम करना, देखो ये माला है, हैं हम एक एक माला जब के थोड़ी देर बाद में माला जब कर, देखो लखपति कैसे बनोगे। पहले अमिताभ बच्चन टीवी में आता था ना, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, देख लो ध्यान देकर के, हैं जैसे ये माला है, माला में जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलकर इसमें एक मोती सरकेगा, ठीक है। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे और एक मोती सरकेगा। देखो 1,00,000 कैसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया है। अगर ये इसमें 108 मोती है, जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना, पर इसको पार नहीं करना, इसे घुमा देना दूसरे तरफ से करना। अगर इसे 16 माला अगर कर लिया तो हो गया कितना, हो गया 25,00,000। अगर 64 माला कर लिया ना, हो गया 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया तुम्हारे नाम पर फिक्स डिपोजिट हो गए। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा, बोले दीन बड़क सवाल, आज अगर 1,00,000 नाम किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगा। और 2-4 दिन में कितना हो गया, 4 दिन में 2,00,000 हो गया। इसलिए कहता है अगर ज्यादा बोलने की इच्छा महाप्रभु बोले क्या करो, दिन भर माला लेकर के ठाकुर का नाम जप करो, हैं प्रभु का नाम जप करो, बस लखपति बन जाओ कर दो। इसलिए शंकर जी ये शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। इसलिए जिस समय समुद्र मंथन हुई, लवण समुद्र से तो जहर निकला था जिसको शंकर जी पान किया, लेकिन ये जो खीर समुद्र यहाँ पर जो समुद्र मंथन हुई, यहाँ पर कौन निकले, बोले नंदस्तु आत्मा जाता लाल महावना, यहाँ पर आनंद कवि कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, कहते वहां पर श्री कौन आए थे, कहते वहां पर श्री भोले बाबा भी आए थे, कहते नंद बाबा ने 20,00,000 दिया दान दिया, लेकिन उनका जो बहाने हैं, इनकी बहन कौन है, शंकर जी की बहन कौन है, बोले शंकर जी की बहन कौन है, बोलो जोर से नंदी। कहते ये नंदी भी तो बैल है, ये तो गैया जैसे, शंकर जी ने देखा भैया इतने गैया को दान दे देते हो ना हो, मेरे नंदी को तो दान तुम्हें नहीं दे, उन्होंने तो नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए, बोले भैया नंदी मेरी दान में नहीं चली जाए। कहते भैया पार्वती आए थे, उनका भी 2 बेटे हैं, कौन कौन है, गणेश और कार्तिक, इसलिए कहते हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, उन्होंने इतने हाथी घोड़े उन्होंने दान दी, कहते मैया तो डर गई, बोले हो ना हो मेरे लाला जो गजानन है, भैया इनको कोई हाथी मान करके इनको कोई दान में नहीं देते, इसलिए अपना बेटे को उन्होंने गोद में लेकर के, उन्होंने चुपका करके अपना बेटे को लेकर गोद में खड़ी हो गई। वहां पर धन कुबेर भी आए थे, उन्होंने इतने सोने चांदी दान दे रहे थे, बोले रमा क्रीडन अभूत निर्भर। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ऐसे लग रहा था जैसे मानो आनंद कांत भगवान कृष्ण जन्म लेने पर वहां पर स्वयं माँ लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही हैं। इतने हीरे जवाहरात उन्होंने दान दी, ब्राह्मण संत लोग गठली बांध करके नहीं ले पा रहे थे, एक गठली के कोने से गिरते 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 जा रहा था सोने हीरे जवाहरात, हैं इतने उन्होंने दान की, स्वयं कुबेर भी वहां पर लज्जित हो गए हैं। इसलिए वहां पर सुत बंदी और मागत ये लोग भी आए थे, इनको भी नंद बाबा ने जितने जो मांगे है ना उनको डबल डबल करके उन्होंने दिया। बोले भैया इतने कहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ से आ गया, नंद बाबा इतने दान दिया, अली गलियों में सोने चांदी बिखर रहा है, हैं अगर हम होते तो हम भी कुछ उठा कर ले जाए, हैं इसलिए तो इतने पैसा कहाँ से आ गया। बोले भगवान कृष्ण जब जन्म हुए ना वहां पर स्वयं माँ लक्ष्मी कहते श्री राधा रानी प्रकट हो गए, राधा रानी मूल लक्ष्मी रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया, मेरे कृष्ण की जन्म उत्सव में इतने नंद बाबा दान इतने दान दिए,
जब तक ये दुनिया रहेगा दुनिया उसको याद करते रहे। नंद बाबा ने कितने दान नंद बाबा ने किया है, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। लेकिन सबके सब तो नाच रहे थे गा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। बोले वो कौन है? बोले माता रोहिणी। बोले ये क्यों नहीं नाच रहे थे? बोले ये प्रसिद्ध भत्रिका। प्रसिद्ध भत्रिका मतलब होता है जिसका पति विदेश में हो और उसे जेल में पड़ा हुआ हो, उसकी पत्नी सबके सामने नाच सकती है? बोलो नाचेगी कि नहीं? क्योंकि पति जेल में बैठा हुआ दुख कष्ट में अगर पति पत्नी भी दुखी रहती है, हैं? इसलिए अभी देवक वसुदेव जेल में बैठे ये सबके सामने नाचे कैसे? इतने में श्री नंद बाबा ने देखा सबके सब तो नाच रहे थे लेकिन घर के सदस्य रोहिणी नहीं वहां पर। तो उन्होंने गए बोले रोहिणी तुम घर की हो तुम, तो मैया ने लाला जन्म दी, कुछ तो कर ही नहीं सकती। अभी लोगों को देखना कौन आए क्या लेना देना उसको कौन, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। अब कम से कम लाला को तो आशीर्वाद दे। लेकिन श्री बलदेव प्रभु कहते 15 दिन पहले जन्म हुए थे, वो भी जन्म से ही आंख बंद कर लेते हैं। उनकी पहला इच्छा थी जब पहला बार मैं आंख खोलूंगा सबसे पहले कृष्ण को देख करके फिर दुनिया को देखूंगा। उन्हें ताऊ भैया बुलाए और कृष्ण को पास मन ने सुला दी। ऐ सुलाते ही जब बलदेव को पता चला कृष्ण को पास में, इतने बलदेव प्रभु आंख खोल दी। आंख खोल करके ना रोहिणी की आनंद की सीमा नहीं रही, रोहिणी भी ठुमुक लगा करके वो भी नाच उठी श्री नंद के लाला की। प्रभु जी बधाई गा, प्रभु जी की बधाई गा के भगवान की। आप लोग सबके सर खड़े हुए नाच ले, ठीक है? बहुत समय से बैठे हो, इतना तैयार दर्द होता होगा, एक बार खड़े होकर नाच ले। Thank you.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ प्रभु रोहिणी तो क्या कर रहे हरे। हाँ देखो अभी आप लोग चलते हैं मथुरा चलते हैं। अभी मथुरा में क्या हो रहा है कहते मथुरा में जिस समय वसुदेव महाराज ने इन्होंने अपना बेटे को बेटी को ले आए बेटे जो बेटी को ले आए इतने में बेटी को अंदर में लाते ही बेटी तो रोना शुरू प्रारंभ कर दी और जितने पहरागार सो रहे थे ना वो जग गए और हथकड़ी बड़ी जैसे पहले था वैसे ही हथकड़ी बड़ी पड़ गई। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वसुदेव महाराज जेल से बाहर निकले भगवान को कृष्ण को सर को पर क्या बजू सर को ऊपर में रख करके जब बाहर निकले ना अपनी आप हथकड़ी बड़ी खुल गए हैं पहरादार सो गए। लेकिन जब अंदर में आ गए ना फिर क्या हुआ फिर अपनी आप जो माया को लेकर के अंदर में आए फिर अपनी आप सबके सब हथकड़ी बड़ी बंद गई। मतलब क्या है भगवान शिक्षा देते हैं अगर हम संसार में कोई काम करते हैं अगर भगवान को सर पर रख कर मतलब ठाकुर जी को आगे रख करके कोई काम करो कितना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम भगवान की कृपा से उनके आशीर्वाद होना बड़े से बड़े कठिनाई भी आसानी से हो जाता है अगर उनके आशीर्वाद हो हैं। लेकिन जब उन्होंने माया को उन्होंने ले करके जब अंदर में आ गए कृष्ण को जब लेकर गए क्या हुआ बंधन तो खुल गए लेकिन जब माया को लेकर के अंदर में आए ना फिर क्या हुआ अपनी आप हथकड़ी बड़ी पड़ गई है। मतलब है जब हम माया को आश्रय ग्रहण करेंगे फिर तो बंधन ही बंधन है लेकिन जब ठाकुर का आश्रय करेंगे फिर तो बंधन हमारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए अभी जब उन्होंने बेटी को उन्होंने कंस ने आकर उसको मारने के लिए कोशिश की पछाड़ देने के लिए इतने में ठोकर मार कर ऊपर चली गई और आकाशवाणी हुई बोले रे मुड़ा कंस तुम्हें मुझे क्या मारोगे तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। बोले ये मेरी कुलदेवी जो ये कंकाली ये कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इतने में कंस ने क्या किया अपना सारे अनुयायियों को अकाशुर बकासुर त्रिनापर थे सबको उन्होंने बुलाया बैठाया बैठा करके बोले अभी हमें क्या करनी चाहिए। इतने में से पुतना खड़ी हो गई बोले मेरा नाम ही पुतना है पुतना जिसका पुत्र है नहीं हमें पुतना रहते पुत्र का क्या काम अभी पुतना ही कथा हमारे भक्त लोग सुनाएंगे अभी पुत्र रोहिणी जी का आए रमेश प्रभु आप भी कुछ सुनाएंगे ना हाँ खड़े जाओ हरे कृष्ण गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कद्भुक्ताय नमो ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानवंशलाके चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो सर्वप्रथमं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु को भक्ति वेदांत श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ तथा उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आज पहली बार महाराज जी की कथा में मुझे माइक मिला थोड़ा अगर कोई गलती हो थोड़ा क्षमा करना बोलो थोड़ी शक्ति देना। मैं कथा अपनी आरम्भ कर रहा हूँ यहाँ से कि एक बार एक नदी के किनारे गांव बसा हुआ था और उस गांव के में एक मंदिर उस मंदिर में एक पुजारी रहा करते थे और वो दिन रात भगवान की सेवा करते थे भगवान की पूजा करते थे हमेशा भगवान को पूजा करते थे और मानते थे बहुत ज़्यादा मानते थे भगवान। हुआ क्या कि उस गांव में उस साल बाढ़ आ गई बाढ़ के उपरांत वहाँ के गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे। बच्चों कोई बात नहीं करना है सब मुँह में हाथ ला कर बैठो तो गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब वहाँ के गांव के प्रधान जी आए बोले पंडित जी बाढ़ आ रही है आओ चलते हैं निकल चलो डूब जाओगे। बोले नहीं आएंगे ठाकुर जी हमको बचा लेंगे वो चले गए बचा लेंगे। उसके बाद क्या हुआ
कि और एक बैलगाड़ी से बहुत सारे लोग जा रहे थे, वो भी गए, बोले आ जाओ कवि जी, डूब जाओगे, निकल चलो। बोले नहीं, मैं जाएंगे ठाकुर जी पे चाहिए। ठीक है, कई लोग आए उनके पास लेकिन वो गए नहीं। अब ये पानी इतना बढ़ गया कि अब उनको पुजारी जी को मंदिर के ऊपर चढ़ना पड़ा, काफ़ी बाढ़ आ गई, मंदिर ऊपर चढ़ना पड़ा। अब वो इतनी बाढ़ आ गई, तब सूचना पहुंच गई सरकार के पास कि ऐसे से बात है और वो पुजारी हमारा फंसा हुआ मंदिर में। तो हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने रस्सी लटकाया, बोले पंडित जी आ जाओ नहीं तो मर जाओगे, आ जाओ निकल चलो। बोले नहीं, भगवान जी बताएंगे। अब हुआ क्या कि पानी इतना हो गया कि पंडित जी गए, पंडित चले गए। अब पंडित जी पहुँचते हैं भगवान के पास और उनसे शिकायत करते हैं, लड़ाई करते हैं, कहते कि ठाकुर जी मेरी इतना पूजा करता था आपका और आपने मुझे बचाने दिया है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गाँव वाले के रूप में हम एक बार तुम्हारे पास गए, फिर भी तुम मना कर दिए। उसके बाद प्रधान जी गए, तब भी आपने मना कर दिया। उसके बाद मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, ठीक है, रस्सी लटकाया, पकड़ने से मना कर दिए। तो मैं क्या करता, आपको क्या लग रहा था मैं सुदर्शन चक्र लेके आऊँगा तब तुम आओगे? मैं अपने परिकर ही तो भेज सकता हूँ, जरूर दे के मैं आऊँ। दूसरी बात कि देखो, एक लोहा होता है, ठीक है, एक लोहा होता है, उसको हम क्या करते हैं, पानी में डालें तो क्या होगा, वो डूब जाए, ठीक है। और वहीं अगर मैं लकड़ी फेंकता हूँ तो क्या होगा, वो तैरे। तो ऐसा लोहा ऐसा क्या काम करे, लोहा को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि वो लकड़ी की तरह या डूबने से बच जाए? क्या करना चाहिए, कुछ बता सकता कोई उस लोहा को क्या करना चाहिए कि वो डूबने से बच जाए? उसको लकड़ी का संग करना पड़ेगा। जैसे आप देखो छोटी छोटी नाव होती है ना लकड़ी की, वो तैरते रहती है, लेकिन जो बहुत सारी बड़ी बड़ी नाएं होती है, जो कई कई मंजिले की नाव होती है, लोहे की होती है, फिर भी तैरते रहती है। कारण उसने क्या किया, उसने लकड़ी का संग कर लिया, उसमें लकड़ी लगा हुआ था अंदर। उसी प्रकार से जो लकड़ी कौन है, वो हमारे गुरुदेव, ठीक है। भगवान तो आएंगे नहीं, भगवान तो शुरू शुरू में कलयुग के शुरू में आके चैतन्य महाप्रभु नाम देके चले। अब हमें क्या करना है कि वो हमें संग करना, किसका, गुरुदेव का, हमें लकड़ी का संग करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठाकुर जी ने जो हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाई वो कौन है, वो भी गुरुदेव है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर कौन है, भगवान, भगवान के द्वारा भेजे गए हमारे परिकर होते हैं जो गुरुदेव के रूप में आते हैं, ठीक है। और हमें अगर भवसागर में डूबने से बचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम देकर गए उसे मुझे गुरुदेव के हाथों से ग्रहण करना होगा, तभी हम इस भवसागर में से तर पाएंगे, मतलब डूबने से बच जाएंगे। लोहे की तरह से अगर लकड़ी का संग कर लेंगे, तब गुरुदेव का संग कर लेंगे तो हम डूबने से बच जाएंगे। ऐसा मौका इस करहड़ा वासियों को मिला। अभी पीछे भागवत कैंसिल हुई थी, ठीक है, उसने हमें और भी रह पढ़ा दिया कि लेट हुआ तो हम लोग सोचे पता नहीं क्या होगा, अब कब होगा, अब कब होगा। तो ये सौभाग्य रहा आप लोगों का कि आप लोगों को मौका मिला और आपकी विरह को बढ़ाया, गुरुदेव भागवत का भेंट दे दिए और भागवत शुरू हो गई। तो हम सबसे चाहते हैं कि अगर जो बिना अब तक माला नहीं लिया हो और इस भवसागर से निकलना चाहता हो तो जल्दी से जल्दी गुरुदेव का संग करें, उनसे माला ले। धन्यवाद। गोविंदचंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीशिवाद्भक्तिवेदान्तनारायणिनामिने।
नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीदेव गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों, हरि कथा सुनने आए माता बहने भाइयों, सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। प्रश्न दिमाग में आ रहा है, यहाँ हम क्या करने आए? मेरा जैसा जीव जो सोया पड़ा है उसके लिए के प्रश्न है, क्या करने आए हम यहाँ पे? क्या करने आए हो? क्या सुनने आए हो? श्रीमद् भागवत कथा सुनने आए हैं। एक ऐसा ही छोटा और एक प्रश्न और सुन लीजिए, उसका उत्तर बता दीजिए। अगर हींग हींग देखी है ना, हींग माता तो सबने देखी होगी, उसकी फैक्ट्री में अगर आप चक्कर लगा के आ जाओ, हींग की फैक्ट्री में घूम के आ जाओ और बाहर निकलोगे तो आप में से किसकी खुशबू आएगी? गुलाब की तो नहीं आएगी, आ सकती है गुलाब की? हींग की फैक्ट्री में गए तो किसकी खुशबू आनी चाहिए? हींग। तो ऐसे ही हम यहाँ क्या सुनने आए? श्रीमद् भागवतम कथा। तो जब हम बाहर जाएं तो हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? जो ये श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं, जो महाराज जी यहाँ व्यास पे बैठ के इस कथा का जो परिवेशन कर रहे हैं, उसी का कुछ हमारे में से निकलना चाहिए। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत अद्भुत बातें बता रहे हैं कि क्या इस जीव को, जीव का मतलब मुझे, मैं कौन ये आत्मा, उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसका परम कल्याण हो। अभी हमारे रमेश प्रभु ने, जिन्हें मैं प्रेम में रमेश बाबा भी कह देता हूँ, कि हमारे गाजियाबाद के रमेश बाबा, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। क्या? लोहा तैराना लकड़ी तैराना। तो मैं एक और अलग बात बता देता हूँ लोहे और लकड़ी में ही। लोहे को मैं ऊपर फेंकता हूं तो क्या होगा, और लकड़ी को भी ऊपर फेंकता हूं तो क्या होगा? दोनों ही नीचे गिर रही हैं। पर ऐसा देखो, लोहा और लकड़ी दोनों जड़ हैं, जड़ है ना। जड़ शब्द का मतलब होता है जिसमें चेतना ही नहीं है, जो अपने आप में सोच नहीं सकती, अपने आप में कुछ कर नहीं सकती और ना ही उसको कुछ अनुभव होता है, ठीक है ना। लकड़ी को थप्पड़ मारोगे तो चिल्लाएगी क्या कि क्यों मार रहा है जोर से? नहीं। और अपने मन से कुछ कर नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती। यही लोहे के टुकड़े का हाल है। दोनों को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, नीचे गिर रही है। पर इस जड़ जगत के जड़ ज्ञान ने जो इस जड़ जगत का है, इस ब्रह्मांड का है, उसने उस लकड़ी लोहे में ऐसा विज्ञान ज्ञान डाल दिया कि वो लकड़ी लोहा आज हवा में उड़ रहा है। उड़ता नहीं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। अरे हवा में ही नहीं उड़ रहा, चांद पे भी पहुंच गया, मार्स पे भी पहुंच गया। तो इस जड़ जगत के ज्ञान को हम देख पा रहे हैं कि कुछ शक्तिशाली तो दिख रहा है। इस जड़ जगत का ज्ञान केवल क्या दिख रहा है कि अन्य प्लैनेट्स पे क्या है, जो चीज अभी हम ऐसे फेंक देते हैं वो नीचे गिर जाती है, उसको क्या कर रहा है, हवा में तो उड़ा ही रहा है, अरे दूसरे ग्रहों तक ले गया है। तो ये केवल इस जड़ जगत का ज्ञान ऐसा कर पा रहा है। और जो शिला महाराज जी यहाँ बैठ के जिस अध्यात्मिक परमार्थ ज्ञान का आपको परिवेशन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये ज्ञान किसके लिए? ये चेतनमय ज्ञान है। और किस वस्तु के लिए है? जड़ वस्तु के लिए नहीं है, क्योंकि जड़ ज्ञान है ही नहीं है, ये तो चेतन ज्ञान है। भगवान चेतन है, उन
चेतन भगवान का ये ज्ञान दे रहा है। ये ज्ञान कहाँ जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, वास्तविक रूप में किसके लिए दिया जा रहा है? क्या इस शरीर के लिए दिया जा रहा है? शरीर तो जड़ है, यही रह जाएगा, यही सड़ जाएगा, या जला देंगे या दफना देंगे। उस आत्मा के लिए है ना, तो समझना पड़ेगा ये चेतन ज्ञान। जब वो चेतन आत्मा उसको लेगी तो देखो कितनी पावरफुल है ये। ये ज्ञान देखो कहाँ ले जाएगा, ये ज्ञान इस ब्रह्मांडों में से निकाल के आपको भगवत धाम ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? भगवत धाम। एक श्रीमद् भागवतम के ही महात्म्य में ये श्लोक में स्वयं बताया जा रहा है, क्या यस्यां विश्रुणीय मायायां, क्या कह रहे हैं? अरे इस भागवत को सुनने से क्या होगा? कोई जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, मन में प्रश्न आता है ना कि इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, तो भागवतम महात्म्य में बता रहे हैं कि क्या होगा। तो उसमें दो चीजें बताई, पहली मैं बाद में बताऊंगा, दूसरी पहले बता देता हूं। कह रहे हैं पुंसा जो ये जीव है उसका शोक मोह भयावह, उसका शोक, उसका मोह और उसका भय ये दूर कर देगा। क्या क्या दूर कर रहा है? हमारा शोक, भय और मोह। क्या यहाँ पे आपको लगता है सब इस तीन चीजों में आप हो? नहीं हो ना? हमने आज तक किसी वस्तु के लिए रोए नहीं है ना। कोई चीज खो गई या हमारी बर्बाद हो गई, हम रोए हैं कभी? हम तो रोए नहीं जी। हमारे हजारों रुपए भी खो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं रोते। हमारा घर टूट जाता है, हमें रोना नहीं आता। कोरोना काल में हमारा बिजनेस चौपट हो गया पर हमें बिल्कुल रोना नहीं आया। हमारे परिजन मर गए पर हमें बिल्कुल रोना नहीं आया। कोई बचा इस शोक से? शोक रहेगा ही रहेगा, ये जगत ऐसा है। क्या शोकमय है? फिर कैसा है? जब कोरोना चल रहा था हम तो बिना मास्क लगा के घूम रहे थे, और जिस पेशेंट को कोरोना था उसके तो मैं गले में हाथ डाल के घूमता था, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं था। क्या ये भय हमें दिखा नहीं? ये भय भी है, ये जगत भयमय है। और क्या है? क्या बोला? मोह। जो मेरे पास वस्तु है कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं इसको वो ना जाए, तो हम ये मोह, ये शोक भय मोह में हमारा पूरा दिन टेंशन के मारे निकल जाता है। इन तीनों चीजों के कारण ही हम टेंशन में आ रहे हैं। और ये सोचो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। एक बच्चे ने वो जो फ्री फायर या पबजी वाली गेम खेली, छोटे से बच्चे ने, अखबार में खबर आई, 10 साल का भी नहीं था, कितने साल का, और वो फोन माता या पिता के किसी क्रेडिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से लिंक था डेबिट कार्ड से, उसने 40,000 रुपए गेम में हार गया। तो नोट लिख के कि मेरे को माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। इतना शोक भय मोह हमारे अंदर घुस गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमने इस जड़ जगत को अपने अंदर घुसा लिया, इस जड़ जगत को अपने अंदर घुसा लिया है। इस जड़ ज्ञान में ही हम घुसते जा रहे हैं, अपने खुद भी घुस रहे हैं, अपने बच्चों को भी घुसा रहे हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या करेगा, इस शोक मोह भय, जड़ शोक मोह भय को आपके अंदर से निकाल देगा, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। क्यों? ये तो दूसरा का दूसरी चीज बताई थी कि ये ज्ञान करेगा। पहला क्या करेगा? कृष्ण परम पुंसे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा। वो क्या करेगी ये भागवतम, क्या करेगी श्रील महाराज जी जो परिवेशन कर रहे हैं इस कथा का, ये क्या करेगी? क्योंकि ये भागवतम ऐसा नहीं है कि बस मैं, ये भागवतम बुक तो हर जगह है, मैं उठा के पढ़ सकता हूं, परंतु क्या हो रहा है, सुख मुखात अमृत। जैसे एक सुख पक्षी, एक तोता क्या करता है, किसी कच्चे अमरूद में चोंच मार दे, फिर उस पेड़ का सबसे मीठा अमरूद वही बनेगा, है ना? किसी को अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो अमरूद के बागों में घुमा हुआ होगा उसको पक्का होगा। हमारे घर में भी अमरूद का पेड़ था, तो हम भी जब तोते उड़ जाते थे तो स्पेशली वो वाला अमरूद ढूंढते थे कि चोंच किस पे मारी। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के
क्या है, शुद्ध भक्त है, राधा रानी के तोते हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में मुंह मारा होगा। और अब ये पका हुआ फल भगवान के ही शुद्ध भक्त शिला महाराज जी के मुख से हम सुन रहे हैं। तो ये कथा क्या करेगी, अब जब ये हमारे अंदर जाएगी तो वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करेगी, जो कि अभी हम पूरे जन्मों से लगे हुए हैं पर हमारे अंदर आ नहीं रही। टीवी पर भी सुन लेते हैं कथाएं, यहाँ भी सुन लेते हैं, वहां भी सुन लेते हैं, पर वो भक्ति नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि वो भागवत कथा अभी हमने शुद्ध भक्तों के मुख से प्रसादी रूप में हमने ली नहीं। तो ये क्या करेगी, अब ऐसी भागवत कथा क्या करेगी, वो जाएगी हृदय में, और हृदय का ये जो शोक मोह भय है, ये जो जड़ विद्या है, अविद्या कहते हैं जिसको, इसको हटाएगी, साफ करेगी। धीरे धीरे वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके चरणों में हमारे हृदय में धीरे धीरे भक्ति उत्पन्न करेगी। तो हम क्या करें, ये हम जो समय निकाल कर आ रहे हैं, आप लोग सब व्यस्त हैं अपने जीवन में, हमें पता है ना, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है हमारे पास, परंतु जब हम यहाँ आए हैं, महाराज जी को बार बार बोलते रहते हैं कि कैसे श्रोता बनो, कि बड़ा मन लगा के पूरा अपना कंसंट्रेशन यहाँ महाराज जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द पे लगाते हुए उसे अपने हृदय रूपी दोने में कान से सुनते हुए सीधा हृदय में डालें। और क्या करें, जब बाहर जाएं, जब यहाँ से उठ के घर जाएं, तो क्या करें, मुझ में से वो सुगंध आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो महाराज जी यहाँ बता रहे हैं ना कथा, उसे क्या करो, हम देख लेना, ये बोलेंगे क्या बोल रहे हैं महाराज जी, कि भगवान के नाम का कीर्तन करो, हरि नाम करो, बार बार बोल नहीं रहे हैं क्या, हरि नाम करो। इस श्रीमद् भागवतम में सर्वोच्च व्रत एकादशी व्रत करो, जो खाओ भगवान को भोग लगाते, यही चीज जिन जिन के घर में भी महाराज जी ने अपना अपना क्या नाम है आशीर्वाद दिया है, यानी उनके निमंत्रण पे उस घर में गए हैं, तो क्या किया, यही चीजें बताई हैं। तो इन चीजों का मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, अपने यहाँ से कथा सुनने के बाद मैं अपने घर में जाके उन चीजों का पालन करूँगा। और क्या है, जो हींग की खुशबू खाली मुझे तो नहीं आ रही, अगर मैं बाहर निकल के आऊँ तो बगल वाले को भी आ रही है, तो हम बगल वालों को भी बताएं कि देखो ये हमारे जीवन का, इस आत्मा का असली मकसद है। हम उनको भी ये बात समझाएं, आए महाराज जी से हरि नाम लें, क्योंकि ये हरि नाम तभी फल देगा जब शुद्ध भक्त से ही हमें मिला है, जिसने अपना पूरा जीवन इस हरि नाम को, भगवत नाम को समर्पित कर दिया है। तो आप सबसे प्रार्थना है, प्रार्थना के बाद मैं कह रहा हूं चेतावनी है, प्रार्थना तो कर ली, अब चेतावनी भी है कि क्या पता सुखदेव गोस्वामी जिनको कथा सुना रहे हैं, किनको सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित महाराज जी के पास कितने दिनों का समय है, अब नहीं चौथे दिन की कथा है, 3 दिन बचे हैं, ये जगे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो केवल 2 दिन बचे हैं। आपके पास कितने बचे हुए, कोई लिख के दे सकता है, उनके पास तो अभी भी 2 दिन का समय है, हमारे पास शायद 2 मिनट का समय नहीं है। तो चेतावनी ले लो कि हरि नाम ले लें, हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी से वो हरि नाम महाराज जी से ले लें, और उस हरि नाम को घर जाके हर समय हम करते रहें। पूछें कि और हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम, मैं अधिकतर देख रहा हूँ ज्यादातर सब 30-40 से ऊपर के हैं, तो हमें 30-40 साल तो हमारे चले गए, पर आगे आने वाले चाहे वो 30 मिनट हों या 40 मिनट हों या साल हों, हे महाराज, हे गुरुवर, आप हमें बता दो कि अब उन बचे हुए समय में हम अच्छे से अच्छा क्या करें। यही तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था कि अरे प्रभु, मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, हमारे पास भी 7 दिन ही बचे हैं, क्या 7 दिन में ही मरेंगे हम, पता है आपको, पता है ना ये कथा,
कि 7 दिन में मरोगे। हाँ रविवार सोमवार बस, तो हम भी 7 दिनों में ही मरेंगे। उन 7 दिनों में से किस दिन में मरेंगे? तो मान के चलो वही सवाल महाराज जी तो खैर अपने आप उत्तर दिए जा रहे हैं, परंतु हम भी जाके जिज्ञासा करें कि अब मेरी बुद्धि थोड़ी सी जागी है आपका संग करके, आपका शरण लेके, अब आप मुझे बताओ। और जैसा बता के जाएंगे ना उसका प्रयास करना, जैसा बोलेंगे वैसा करना, और हृदय में यही भाव रखना कि जब महाराज जी दोबारा आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, जैसा बता के गए हैं ना उसमें कुछ लेवल को अचीव करके आपके सामने आपको आके जब दिखाएंगे तो ये क्या होंगे, ये और प्रसन्न होंगे। और जितना भगवान के भक्त जन प्रसन्न होते हैं ना, वो प्रसन्नता में क्या करते हैं, वो और लुटा देते हैं। जैसे होते थे ना बड़े बड़े राजा प्रसन्न हुए, लो हीरे की माला ले लो, लो ये ले लो, इनके हृदय में धन पता क्या है, राधा रानी का प्रेम, कृष्ण का प्रेम। ये देखेंगे अरे इसने लहसुन प्याज छोड़ दिया, चाय भी कॉफी भी छोड़ दी, ले तू और ले ले। ये लुटाने वाले हैं, उनके सामने ही बता रहा हूँ देखो मैं अंदर की बात। आप क्या करो, जैसा बताएंगे वैसा वैसा करते रहो, अच्छे से करते रहो। ये जितना प्रसन्न होंगे ना उतना ही लुटा लुटा के जाएंगे। तो अब ये आपकी मर्जी है कितना लुटना चाहते। गौर प्रेमानंदे हाथ उठा के बोले बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। बार आप लोग बोलो मैं सुनूंगा जोर से। अभी हमारी प्रभु जी अभी पुतना की कथा सुनाएंगे। कृष्ण सर्वप्रथम जैसे भगवान राम, अब बताओ तो भगवान राम सबसे पहले कौन सा दैत्य को मारा था, कौन राक्षस को? बोलो जोर से, कोई नहीं बोल रहा, तारका को मारे थे। इसलिए भगवान कृष्ण भी सर्वप्रथम किसको मारे थे, पुतना को मारे। क्यों उन्होंने पुतना मारी, भगवान राम क्यों तारका मारी, इसका क्या रहस्य है, पुतना को प्रभु मारे कैसे, इसमें बहुत सारी शिक्षा है। हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी अभी इसी विषय पर आप ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्लोक सीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुभव गुरुवर्ग स्वपाल से सपरिकर गुरु नित्यानंद प्रभु स्वपाल से सपरिकर युगल किशोर जी राधा गोविंद जी के चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोता मंडली वैष्णववृंद भक्तवृंद वैष्णवी वृंद समस्त चरणों में अधम का यथार्थ दंडवत प्रणाम। हम अभी अभी गुरुदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे थे, जिस समय ये कंस की जो जोग माया देवी प्रकट होकर बोलती है कि तुम्हें वध करने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। अब कंस तो चुप नहीं बैठेगा, मारने की तो कोशिश करेगा ही, इसीलिए कंस ने अपने सारे दोस्त अगासुर बकासुर पूतना प्रकटासुर सारे के सारे दोस्त को बुलाया और बुला के बोल रहा है भाई देखो अभी मैं विपत्ति में हूँ। अब इस समय कंस बता रहा है देखो एक मित्र विपत्ति के समय में ही काम आते,
तो सबसे पहले पूछना बोलते बोले क्या बात है, तो मेरे मानने वाले एक छोटे से शिशु के रूप में जन्म ग्रहण कर चुका है। तो पूछना बोलते ये छोटी सी बात, मुझे आदेश दो मैं वध करूँगा, मुझे आदेश दो मैं वध करूँगा। तब पूतना को कंस आदेश देते हैं और पूतना ये आकाश मार्ग से ढूंढते 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 जाके जाके गोकुल में पहुँचते हैं। और गोकुल में जैसे ही पूतना पहुँचती है तो पूतना देखती है कि एक के घर में एक बड़े सुंदर से बच्चा पैदा हुआ है। सारे गोपी सज धज के चकाचक अच्छे अच्छे चीज़ लेके वहाँ पे बधाई देने के लिए जा रहे। तब ये पूतना धीरे 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 घूमते घूमते सोचने लगती है कि हो ना हो यही घर होगा, इसी घर ही हो सकता है, चलो यहीं से शुरू करता हूँ। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे हैं कि कंसे न प्रहिता वाला पूतना बाल घातिनी। ये पूतना कौन है? ये कंस के प्रेरित से ये बाल घातिनी, मतलब ये बच्चों को मारने के लिए करेगी, अपने स्तन पे कालकूट जहर को रख के मार उसको स्तनपान कराएगी और ये पूतना मारने के लिए आई है। तो जैसे ही पूतना देखती है कि मैं इस स्वरूप में तो नहीं जा सकता, इसलिए पूतना सोचते हैं कि मैं चलो अपना स्वरूप को चेंज कर देता हूँ। जैसे ही स्वरूप को चेंज करता है इतना सुंदर दिखता है पूतना, बोलते हैं इतना सुंदर, भागवत में बोलते हैं कि उसका जो चोटी है वो सर्प सुकृत है, उसके जो गभा में बड़े सुंदर गजरे की माला है और उसका जो तेज तेज कांति कोटि कोटि रमा कोटि कोटि लक्ष्मी से भी कम पड़ रही है। इतना सुंदर देख के अपने चोटी को हिला हिला के पूतना ब्रज में प्रवेश करती है। अब देखो ये सारे के सारे ब्रजवासी पूतना को देख के हंसी मजाक करते हैं, बोलते हैं देखो देखो ये नंद बाबा के घर में ये सारे के सारे देवता पता नहीं कैसे कैसे रूप धारण करके आ रहे। तो एक ब्रजगोपी बोले अरे ये देवता नहीं है, ये तो स्वयं लक्ष्मी है। बोलो तो ये लक्ष्मी से भी और श्रेष्ठ है क्योंकि ये तो लक्ष्मी से भी सुंदर है। अब नारायण ने तो नंद बाबा के घर में तो जन्म ले चुके हैं, इसीलिए लक्ष्मी अब बैकुंठ में अकेली क्या करेगी, इसलिए इसने भी हमारे गोकुल में आ गए। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूछते हैं ये ब्रजवासी कौन है, ये नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध परिकर है, फिर भी इन्होंने ये कपटी पूतना के स्वरूप को कैसे पहचान नहीं पाए। साधारण जगत के हम कोई तांत्रिक को देखते हैं, कोई ज्योतिषी हमारे पूरा माथे की रेखा हस्त लकीर पूरा का पूरा सारे रेखा को देखे हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ बोल देते हैं, लेकिन ये तो भगवान का परिकर है, फिर भी इन्होंने पूतना को क्यों नहीं पहचाना। बता रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसीलिए नहीं पहचाना कि यहाँ पे योग माया देवी ने सबको मोहित कर रखा है, क्यों मोहित कर रखा है? अगर पूतना का स्वरूप ब्रजवासियों के सामने आ गया तो भगवान अपना लीला कैसे करेंगे कि पूतना उद्धार लीला हो ही नहीं पाता। तो ये पूतना धीरे 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 अपने झट करके ही नंद भवन में प्रवेश करती है और प्रवेश करके देखती है यशोमती मैया इसको देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, इतना सुंदर थी। और बोलते हैं कि सुना है यशोमती मैया तुम्हारे घर में लाला हुए हुए, और कहाँ है तुम्हारे लाला, मुझे देखना है। तो यशोमती मैया तो बोल उनको देखते ही रह गई, बोले इतना सुंदर। तो यशोमती मैया बोले पालने में है। तो पूतना बोलती नए नवेले लाला को थोड़ी ना पालने में रखते हैं, इसको गोदी में लो, इसको गोद में लेके लाल दुलाल करो, पालने में थोड़ी ना ऐसे छोड़ देते हैं, चलो मैं उसको गोदी में लेता हूँ। तब पूतना ने क्या किया, तुरंत ही ठाकुर जी को पालना से उठाया गोदी में लेने के लिए। अब जैसे ही ठाकुर जी को उठाया ठाकुर जी ने अपने आँख को बंद कर दिया। तो ठाकुर जी ने आँख क्यों बंद किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके पीछे 5 कारण बताते हैं और श्री वल्लभाचार्य इसके पीछे 10 कारण बताते हैं। कितना? 10 कारण बताते हैं ठाकुर जी ने क्यों आँख बंद कर दिया। देखो सबसे पहला कारण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ठाकुर जी ने आँख बंद कर दिया क्यों, क्योंकि ठाकुर जी ने देखो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनका स्वभाव होता है कि नई नवेली किसी कोई अगर पकड़ लिया तो उनके पास नहीं जाते हैं, कोई नया चेहरा को देखते ही बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, डरते हैं कुछ बच्चे। तो ठाकुर जी लग रहे हैं भाई ये कौन आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसको तो मैं जानता भी नहीं, इसको तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए ठाकुर जी ने अपने आँख को बंद कर दिया। दूसरे कारण बता रहे हैं कि बच्चों का एक स्वभाव होता है, क्या जन्म से जब शिशु होते हैं ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सोते हैं,
उनका सोना धीरे 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 घटना शुरू होता है, और जैसे ही बुढ़ापा शुरू होता है ना, फिर से सोना शुरू हो जाता है और एक दिन पूरा सो जाता है। तो बोल रहे जब बच्चा पैदा होते हैं ना, तो धीरे पूरा उनका सोना बहुत बहुत तेज सोते हैं, बहुत गहरे नींद में सोते हैं, 12-12 घंटा 13-13 घंटा सोते हैं। तो बता रहे हैं कि ये बच्चे का एक स्वभाव है, कृष्ण अभी मात्र केवल 3 दिन के हैं, और 3 दिन में ठाकुर सोएंगे। अब मानव बाल लीला कर रहे हैं तो ठाकुर सोएंगे, तो ठाकुर को स्वाभाविक रूप में नींद आ रहा है, इसलिए ठाकुर जी ने अपना आँख को बंद कर दिया। तीसरा कारण बता रहे हैं, देखो भगवान इस जगत में क्यों आते हैं, बोलने परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्था पुनर्धाये संभवामि युगे युगे। कि हे अर्जुन, मैं इस जगत में इसलिए आता हूँ कि परित्राणाय साधुनां, साधुओं को मैं कल्याण करूँगा। कैसे कल्याण करूँगा, विनाशाय च दुष्कृतं, जो साधुओं में विरोधी है और जो दुष्कृति व्यक्ति है, जो असुर प्रवृत्ति व्यक्ति है, उनका मैं उद्धार करूंगा, उनका विनाश करूंगा, और धर्म संस्था को युग युग में स्थापन करने के लिए मैं आता हूं। अब ये पूछना किस कार्य के लिए ठाकुर जी आए हैं, धर्म स्थापन करने के लिए। अब पूछना को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने ठाकुर जी को मारने आया है, इसीलिए भी ये एक कारण है कि ठाकुर जी अक्षर दुष्ट को मारने के लिए युग युग में जन्म ग्रहण करते हैं। और चौथा कारण बता रहे हैं, ये जो पूतना है ये सबसे पहले किस भाव में आया, बोले मैया के भाव में आया कि मैं कृष्ण को दूध पिलाऊंगा, मैं कृष्ण को थोड़े देर के लिए दूध पिलाऊंगा, गोद में उठाऊंगा। अब बताओ दूध पिलाना और गोद में उठाना किसका काम है, माताओं का काम है। तो कृष्ण सोच रहे हैं, इसने मुझे आते ही बोला यशोदा माया को कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण को तुरंत ही, कृष्ण को थोड़ी ना पालक में उठाते हैं, इसको तो गोद में लेना चाहिए। अब इसने मुझे इतना वात्सल्य प्रेम में लेके गोद में तो उठाया कम से कम, अब जब मैं इसका प्राण नाश करूंगा, जब मैं इसका इस दुष्ट का वध करूंगा, उद्धार करूंगा, तब इस समय ये छटपट आएगा, तो इसका दुख को कैसे देख सकता हूँ मैं। देखो कितना करुणामय भगवान है, बोले इसका दुख को नहीं देख सकता, क्षण मात्र भी इसने मुझे अपने गोद में लिया है, इसलिए मैं इसका दुख को कभी भी नहीं झेल सकता, इसलिए ठाकुर जी अपने आँख को बंद कर दिए। और एक कारण बता रहे हैं कि ठाकुर जी मन में मन आँख बंद कर दिए और बोल रहे हैं, ठाकुर सर्वांतर्यामी है, भैया मैं तो गोकुल में पैदा हुआ था कि मैं तो माखन मिश्री खाऊं, अब ये तो 3 दिन में ही आ गए जहर पिलाने के लिए, मैं तो इच्छा था कि मैं दूध और दही मिश्री ये सब खाऊँ, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब मन ही मन शंकर जी को याद करने लगे, शिव जी को, शिव जी को बोल रहे हैं कि आ जाओ शिव जी, आ जाओ जल्दी करके आ जाओ। हाँ ब्रह्मा शिव जी बोलते हैं कि आ जाओ आप, कृपा करके आ जाओ। तब वहाँ पे शिव जी बोलते हैं, बोले क्यों, तो बोले क्यों क्या, आपको आना पड़ेगा, मेरा काम है दूध पीना और आपका आपका काम है जहर को पीना, आप आके क्या करो जहर जहर पी जाओ और सारे के सारे जो दूध बच जाएगा वो मैं पी लूँगा। और एक कारण बता रहे हैं, ठाकुर जी के हृदय में कौन है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। अब ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि आँख बंद करके कि मेरे हृदय में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, ये जहर को मैं अगर पी लूँगा तो ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का क्या होगा। और दूसरे भाव में ठाकुर जी सोच रहे हैं कि भाई जरा आँख बंद करके तो देखूँ कि पूतना का क्या इस प्रकार का ये पूर्व जन्म में तपस्या कर रखा है, क्या इस प्रकार का सुकृति पूतना ने किया, किस प्रकार का पुण्य पूतना ने किया। जो तुलसीदास गोस्वामी बोलते हैं कि जन्म जन्म मुनि जत ना कराए अंतराम कहे आवत नाही, कि जन्म जन्म मुनि जत न कराए अंतराम कहे आवत नाही, कि इतने इतने मुनि ऋषि इतने इतने देवता योगीगण बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी उनका इतना सौभाग्य नहीं होता कि मुझे ठाकुर मुझे गोद में उठा ले। तो ये पूतना तो देखो पूर्व जन्म ने इसने क्या तपस्या किया है, ये तो ब्रज के अंदर घुस गया और घुस तो गया, ये मुझे गोद में भी ले लिया, अब मुझे स्तनपान करवाने के लिए जा रही है। तो ठाकुर जी आँख बंद करके देख रहे हैं कि पूर्व जन्म में इसने क्या पुण्य किया। तो बोल रहे हैं ये पूर्व जन्म में ये पूतना कौन थी, बता रहे हैं ये पूर्व जन्म में ये पूतना, बोल रहे हैं कि बलि महाराज जी का जो पुत्री वो रत्नमाला थी, हम
कल परसों श्रवण कर रहे थे कि बलि महाराज जी के चरित्र, तो बोलने की ये रत्नमाला थी। ये रत्नमाला जैसे ही बलि महाराज जी के यज्ञ के पास जो मृगकच्छ नाम के स्थान पर यज्ञ कर रहे थे, वहाँ पे जैसे ही भगवान वामन देव आते हैं, इतना सुंदर वामन देव के स्वरूप, तो ये बलि महाराज जी की जो पुत्री रत्नमाला ये सोचने लगे कि ये अगर मेरा बच्चा होता तो मैं निश्चित रूप में इसको गोद में उठाता, निश्चित रूप में इसको लाड़ दुलार करता। तब उसी समय श्री ठाकुर जी ने सर्वांतरजामी है, भक्तों का मन कामना को जान लेते हैं, तो ठाकुर जी बोले तथास्तु, मैं कृष्ण जन्म में कृष्ण लीला में तुम्हारा मनोकामना को पूर्ण करूँगा। जैसे ही बलि महाराज जी ने संकल्प किया और दान दे दिया 3 पद भूमि, 1 पद भूमि में तो ठाकुर जी ने स्वर्ग मत्य स्वर्ग को पूरा सत्य सत्य भूर्भुव महस्व सत्य तक सत्य लोक तक ब्रह्म लोक तक नाम लिया, और दूसरे पद अतल वितल सुतल ऐसे करके पाताल तक पूरा पूरा नाम लिया, और तीसरे पद में बलि महाराज जी को चरण पे रख के सुतल लोक में ले गए। तब वो रत्नमाला क्रोधित हो गए, बोले इतने सुंदर लड़का, मैं सोच रहा था उसको लाल दुलार क्या करूं, ये अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन में जहर लेके इसको पिला देता। तो भगवान बोले ये भी पूरा करूंगा। तो ये रत्नमाला कौन है? बोले ये रत्नमाला स्वयं पूतना का पूतना रूप में आई है, भगवान इसका इस अवतार में मनोभीष्ट को पूर्ण करें। और एक कारण बता रहे हैं ये पूतना क्यों आई, पूतना बाल घातिनी, ये बच्चों को मारने के लिए आए हैं। ये ब्रज में कृष्ण के साथ जितने भी बच्चे जन्म हुए हैं ये सब कौन है? कृष्ण के सखा और सखी हैं। कृष्ण के सखा सुदाम मधु मंगल शोक कृष्ण अर्जुन इत्यादि कृष्ण के सखा गण है, और कृष्ण के सखी ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि जितने भी कृष्ण के सखी गण है। अब ये सोच रहे हैं भाई ये पूतना मुझे तो मारेगा मारेगा, और मेरे सखा सखियों को भी हानि पहुँचाने के लिए आई है, इसीलिए इसका मुख को मैं नहीं देखूँगा। और एक कारण बता रहे हैं कि भगवान का जो दृष्टि होता है ना वो अत्यंत करुणामय दृष्टि है। हम हर सुबह सुबह मंगल आरती में बोलते हैं ना कि कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत तेरे पति, शुभ दृष्टि करो वे अधमेर पति, कि आपके जो दृष्टि हो कृपा का दृष्टि है। तो भगवान सोच रहे हैं मैं अगर इसको देखने लगा और देखा तो मेरा जो स्वरूप है बाल कृष्ण स्वरूप, और बाल कृष्ण स्वरूप को देख के शिवजी ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, अगर मैं हंस दिया तो ये पूतना मोहित हो जाएगी और क्या करेगी, मुझको छोड़ करके भाग जाएगी। अगर मैं अगर गुस्सा में देखा इसको तब भी भाग जाएगी, हाँ गुस्सा में अगर देखा मेरा क्रोध दृष्टि देखा तो ये भाग जाएगी, अगर मैं मुस्कुरा दिया और शुभ दृष्टि कृपा दृष्टि कर दिया तो ये जो मारेगी नहीं तो उद्धार कैसे हो। और एक कारण मैं बता रहे हैं कि देखो कई सारा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, देखो ठाकुर बता रहे हैं बोल रहे हैं भाई ये कहाँ से नए आ गए, ये जितने भी गोपी लोग आते थे ठाकुर कभी आंख बंद नहीं किया, जितने भी गोपी लोगों को देखकर जितने गोपी लोग बधाई देने आए तो ठाकुर ने आंख बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही पूतना आते हैं तो ठाकुर जी आंख बंद कर दिया। बोले कारण क्या है? कृष्ण का उद्देश्य है कृष्ण गोप गोप प्रिय थी, ये उनका एक स्वाभिमान है कि मैं तो गोप हूँ, मैं तो ग्वाला के घर में पैदा हुआ हूँ, अब ये पता नहीं कहाँ से आ गए, तो इसी कारण वजह से भी ठाकुर जी आँख बंद करते। तो कई सारे कारण है। तो जैसे ही वहाँ पे ठाकुर जी को पूतना ने गोद में लेती है और गोद में लेके अपने स्तनपान करवाती, तो स्तनपान करने के बाद वहाँ पे ठाकुर जी शिव जी को बुलाए थे, शिव जी जहर जहर पी ले, अब ठाकुर जी दूध पीना शुरू किए, और दूध पीते पीते ठाकुर जी के प्राण को सोचना शुरू किए। जैसे ही प्राण को सोचते हैं पूतना को पता चलता है मामुच्य छोड़ दो मुझे, और ठाकुर जी बोलते हैं मैं किसी को सहज से पकड़ता नहीं, अगर एक बार अगर मैंने पकड़ लिया तो उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये पूतना सोच रहे भाई यही है वो तारणहार, यही है वो कंस के जो मारने वाला यही है, तो मैं काम करता हूँ कैसे कैसे तरीके से, अगर मैं इसको अपने स्वरूप को वृद्धि करके अगर कंस के महल की तरफ अगर लेके चले जाऊँ, कंस के महल की तरफ अगर लेके मैं चला जाऊँ तब वहाँ पे क्या होगा, कंस इसको निश्चित रूप में मार देगी। तो इस वहाँ पे पूतना अपने विराट स्वरूप को धारण किया, 3 गज योजन, 3 गज कितना होता है, इतना योजन तक, 1 योजन 7 किलोमीटर, 3 गज योजन मतलब 21 किलोमीटर का उसका शरीर, उसका शरीर को धारण करके और उसमें नील मणि सदृश कृष्ण
उसके स्तन पे लटक रहे हैं और कृष्ण को लेके वो भागने की कोशिश कर रहे हैं और भागते 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 ये कहाँ पे गिरा, बोल रहे हैं ये कंस का एक उद्यान था, कंस का एक फल फूल का उद्यान था। बोल रहे ठाकुर जी ने उसको वहीं पर ही गिरा दिया। बोले उद्यान को क्यों खराब किया ठाकुर जी ने, ये दुष्ट कंस और फल फूल किसी दूसरों को नहीं देता था, अपने भोग के लिए यूज करता था। तो ठाकुर बोल रहे हैं जो चीज़ मेरे मुझे प्रदान नहीं करके अगर जीव ग्रहण करता है उसका मैं विनाश कर देता हूँ, उसको कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी बोल रहे थे अभी, हर चीज़ को हमें ठाकुर जी गुरुवर्गों को अर्पण करके ही भोग लगा कर फिर ही खाना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे ही गिरा दिया और पूतना का प्राण ठाकुर जी ने सोच लिया और पूतना का उद्धार हो गया। तो जैसे ही वहाँ पे नंद बाबा यशोमती मैया ये तो पूरा विरह से पूरा रोते रोते उसी स्थान पे आते हैं और उसी स्थान पे नंद बाबा नहीं थे, यशोदा मैया उस स्थान पे जाते हैं और सारे गोकुल के ब्रजवासी उसी स्थान पे जाते हैं। देखते विराट का स्वरूप में पर्वत जैसा स्तन है और उसका नाक गुफा जैसा है और उसका मुँह एक मतलब अद्भुत सा है कि उसका जो दांत है वो नंगल जैसा है, नंगल मतलब हल जैसा है। तो उसका पूरा वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में उसका किस प्रकार का स्वरूप है। तो इसको ऊपर उठेगा कौन, इतने योजन है। तो सीढ़ी लाया गया और सीढ़ी ला के धीरे 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 ब्रजवासी सोच रहे हैं भाई ये कहीं ना जग ना जाए, जग गया तो पूरा पूरा सीढ़ी में हम तबारी बोल हो जाए। बोले तो धीरे धीरे चढ़ो उसके ऊपर। तो सारे के सारे ब्रजवासी को तो पता नहीं ये मर गया है। तो ये धीरे 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 जैसे जैसे करके सीढ़ी में चढ़े और चढ़ के कृष्ण को लेके आते हैं। जैसे ही कृष्ण को लेके आते हैं तक्षणात वहाँ पे कृष्ण को लाकर गोरज से गोमय से स्नान करवाते हैं, ठाकुर जी का द्वादश तिलक करते हैं और यशोमती मैया बोलते हैं कि मेरे लाला को भूत प्रेत लग गया था। देखो किस प्रकार का मैया का विचार होता है, मेरे लाला को शायद भूत प्रेत लग गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, अभी तो 3 दिन भी हुआ नहीं कि कहाँ से इतना बड़ा राक्षसी आ गया, पता नहीं मेरे लाला का क्या बिगाड़ा था किसने, मेरे लाला ने लाला को द्वादश तिलक किया। देखो स्वयं ठाकुर जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी भी द्वादश तिलक कर रहे हैं। इसलिए तिलक का बड़ा महिमा है, बड़ा महिमा है। जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं ना, हम लोग अगर कहीं एक जगह पे गए और उसमें हम तिलक कर रखे हैं और हमारे सामने से कोई तिलक करने वाला गुजर गया तो हम जग करके उनको देखते हैं, अरे ये तिलक कर रखा है, ये हमारा गोड़ी मटका होगा कि नहीं। हम ट्रेन पे जा रहे हैं, कहीं सफर पे जा रहे हैं और ट्रेन पे हमने किसी तिलक करने वाला वैष्णव को देख लिया तो क्या हमारे हृदय में इच्छा होता है कि निश्चित रूप में ही कोई वैष्णव ही होंगे। उसी प्रकार हम जब तिलक कंठी धारण करते हैं, ठाकुर जी जब ये भव समुद्र से उद्धार करने के लिए गरुड़ जी के ऊपर आते हैं तब देखते हैं भाई किसके गले में तिलक है, किसके गले में कंठी है, किसके कपाल पे, किसके माथे पे तिलक है। इस प्रकार ठाकुर जी स्वयं देखते हैं और देख करके कृपा करते हैं और उसको ही उसके चोटी को खींच कर ही ठाकुर जी उसको उद्धार करते हैं। तो ये जितना भी कारण यहाँ पे बता रहे हैं पूरा का पूरा ये शिक्षा मूलक बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे नंद बाबा वहाँ से आते हैं देखते हैं विराट स्वरूप है और वहाँ पे जैसे ही उनका शव को तो कोई उठा नहीं सकता, तो उसी देखो ठाकुर जी ने पहले ही व्यवस्था कर लिया, इतना बड़ा स्वरूप शरीर है पूतना का और पूतना को जलाएगा कौन, इतना लकड़ी कहाँ से आएगा, इसलिए ठाकुर जी ने बगान में ही गिरा दिया और उसी बगान में ही सुंदर सुंदर शुद्ध घी देके उसको पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। और जैसे अंतिम संस्कार होता है पूतना एक सुंदर स्वरूप धारण करके पूतना वो ठाकुर जी के नित्य धाम पे जाते हैं, ठाकुर जी उसको माता की गति देते हैं, ठाकुर जी उसको धातृउचित गति देते हैं। धातृउचित गति मतलब भाई माँ जैसा गति कृष्ण उनको प्रदान करते हैं। और यहाँ पे शास्त्र में बता रहे हैं जैसे कृष्ण जाते हैं उस स्थान पे तो ये नित्य धाम में कृष्ण के दो धात्री हैं अंबिका और किलिंबिका, इनके आनुगत्य में ये पूतना रह के ठाकुर जी की नित्य सेवा करती है नित्य धाम। और जैसे ही इसका अंतिम संस्कार हुआ इतना सुगंधित हुआ वहाँ पे क्योंकि ठाकुर जी के द्वारा ये बस हुआ है, ठाकुर जी ने उद्धार किया है तो इतना सुगंध हुआ पूरा पूरा गोकुल और पूरा का पूरा स्वर्ग से लेके तो उसका सुगंध जा रहा था जब पूतना का अंतिम संस्कार हो रहा था। तो इसमें शिक्षा वाला बात ये है कि भगवान राम जी ने सबसे पहले तारकी को वध किया और भगवान कृष्ण ने तारकी में तो अपने स्वरूप में आया लेकिन ये पूतना क्या है ना कपटी रूप में आया, एवं बकी बक रूप बगुली जिस प्रकार
ध्यान करता है सरोवर के निकट और उसका सारा का सारा ध्यान सरोवर के मछली के ऊपर होता है, उसी प्रकार इसने बड़े सुंदर रूप धारण करके आया था ठाकुर को मारने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं ठाकुर किस प्रकार दयालु हैं, ठाकुर का महिमा बता रहे। स्वयं ठाकुर बोल रहे हैं जिस पूतना ने ठाकुर को मारने की संकल्प लेके अपने स्तन पर जहर लेके भगवान बालकृष्ण स्वरूप को जो त्रिभुवन मोहित हो जाते हैं उसी स्वरूप को देख के उसको दया नहीं आया, अपने स्तन को लेके विष को लेके ठाकुर जी के मुख पे दे दिया। बोल रहे ठाकुर जी बोले मैं उसको माता की गति दी और जिस गायों की वसा हरण लीला में जिस गायों की जिस माताओं की स्वयं कृष्ण ने स्तनपान किया। तो बोल रहे भाई पूतना को तो माता की गति दे दिया प्रभु आपने, अब जिस गोपियों का आपने स्तनपान किया है जिसको वात्सल्य प्रेम आपको स्वयं आस्वादन किया उनको क्या दोगे। तो कृष्णा बोल रहे मैं उनको कुछ मेरे लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तो उनके प्रेम के ऋणी हूँ, मैं तो उनके हर समय वशीभूत हूँ। देखो ये पूतना कौन है, शास्त्र में बता रहे हैं अविद्या का स्वरूप है, ये अविद्या का स्वरूप है, कपट का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं जब तक हृदय में अविद्या कपट रहेगा ना तब तक ठाकुर जी हृदय में नहीं आएंगे। हमारे भक्ति नोट ठाकुर एक बांग्ला लाइन पे बता रहे कपटता हेले दूर प्रवेश प्रेमे रे पूरम जीवे रे हृदय धन्य करे अतएव बहु जतने अनिवार प्रेम रत्ने कापट्य राखो अति दूरे। कि अगर हृदय में कपट हो गया ना कपट रह गया ना बोल रहे हैं कि ये कुछ भी करने नहीं देगा ठाकुर जी को यहाँ बिठाने नहीं देगा। अतएव बहु जतने बहु यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक क्या करो आने वाले प्रेम रत्ने, अगर तुम हृदय में प्रेम जाना चाहते हो हृदय में अगर कृष्ण को बिठाना चाहते हो अगर कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हो तो कापट्य राखो अति दूरे कपट के अविद्या से हर समय हमको बचना चाहिए। तो शिक्षा है वांछ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री। यहाँ पर पुतला लीला में बहुत बहुत कुछ ठाकुर ने सिखा दिया है। सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते बोले प्रभु आप ये बताओ जो पुतना तुमको मारने के लिए आई थी स्तन में काल को भी जहर लेकर ही लेकिन आप उसको कहाँ स्थान दे दिया, गोलोक वृंदावन में आपने उसको स्थान दे दिया। आप बताओ ब्रज में जो गोपियों को तुमने स्थान पान दी जिन गोपियों घर में तुमने मखन चोरी चोरी कर खाए हो फिर आप उसको क्या दोगे आप बताओ। इसलिए कहते हैं अंधरी नगरी चौपट राजा टाका सर भाजी और टाका सर जोर से बोलो टाका सर हाजा। आप कथा सुने होंगे, देखो एक छोटी सी कथा सुन लो। एक समय एक गुरुजी और एक चेले को अरे गुरु चेले भ्रमण करते करते एक राज्य में पहुंचे और राज्य में आप जो कुछ खरीदी करो ना एक किलो घी भी खरीदी करोगे उसका कीमत एक रुपया, एक किलो अगर रसगुल्ला भी खरीदी करोगे उसका किलो एक रुपया, अगर एक किलो रसमलाई खरीदी करोगे ना उसका किलो भी एक रुपया, अगर एक किलो अगर चावल खरीदी करोगे अगर एक किलो आपने गोभी बैंगन खरीदी करोगे इसका कीमत भी एक रुपया। अभी चेला ने देख करके बोले भैया बढ़िया जगह पर आ गई, जो कुछ खरीदी करो सब एक एक रुपया, फिर घी एक किलो घी खरीदी करो कितना पैसा एक रुपया, फिर भैया ये साग भाजी का क्यों खाए रोज रसमलाई लेटी की चमचम और बढ़िया चकाचक घी पियो शरीर को थोड़ा बढ़िया से बना लो। यहाँ पर गुरु जी को बोले मैं यहाँ से और जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो यहीं पर रहूंगा क्योंकि इतने बढ़िया जगह जो कुछ खरीदी करे एक रुपया। गुरु जी ने कहा देख बेटा लगता है ये जो राजा है ना थोड़ा पागल होगा, ये जरूर कोई पागल होगा क्योंकि जिस देश में हर चीज एक रुपया हो वो देश कभी बच सकता है, हैं? अंधेरी नगरी चौपट राजा टाका सरे भाजी यार टाका सरे खाजा लगता है ये जरूर पागल है। इसलिए देखो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से भाग जाते हैं। बोले गुरु जी आप भी जाओ मैं नहीं जाऊंगा। बोले बेटा सावधान मैं तो जा रहा हूँ, अगर जीवन में कोई विपत्ति पड़े ना एक बार जरूर मेरे को स्मरण कर देना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो आप जाओ, हे रोज रोज राबड़ी रसगुल्ला लेटी चमचम खा खा करके चला तो एकदम मोटे सोटे लंबे चौड़े चले। एक समय क्या हुआ एक बूढ़ी माता जी घर में डाकू ने चोरी किया, जब डाकू ने चोरी की जब वो भाग रहा था इतने में उसने पीछे से देख लिया था ये लंबा चौड़ा और मोटा सोटा,
इतने में आ करके उन्होंने शिकायत थी कि बोले महाराज मेरे घर में चोरी हो गई। बोले चोरी हो गई? बोले हाँ। बोले तुमने उसको देखा? बोले पीछे से देखा था। बोले कैसे? बोले लंबे चौड़े मोटे छोटे थे। राजा थोड़ा पागल है। बोले सिया की तो भेजा। बोले देखो मेरे राज्य में सबसे मोटे लंबे चौड़े कौन है? और ये तो खा पी कर एकदम लंबे चौड़े मोटे छोटे था। बोले राज्य में ये सबसे बड़े मोटे लंबा चौड़ा। बोले राजा बुला रहे हैं चलो। बोले क्यों? बोले राजा की देश में चोरी हुई और बूढ़ी माता ने देखा पीछे से वो मोटा सोटा लंबा। हमने राज्य में पूरा देखा तुम सबसे मोटे हो। चलो राजा बुला रहे। बोले भगवान ये तो गुरु जी सही बता रहे। बोले इसको सुली में चढ़ा दो, सुली में चढ़ा दो। बोले भैया ये क्या बात है, सुली में चढ़ा दे, चोरी पता नहीं किसी ने किया, पीछे से देख लिया, लंबे चौड़े मतलब नहीं हो हैं। राजा थोड़ा पागल था। इतने में गुरु जी ने क्या कहा था? बोले बेटा अगर जीवन में कोई विपत्ति पड़े ना मेरे को अंतिम समय में थोड़ा याद करना। अब देखना जिसको अंतिम समय में सुली में चढ़ाते है ना उसको पूछते हैं क्या तुम्हारी मन में कोई इच्छा है, उसको पूछा जाता है। बोले हाँ मेरी मन में इच्छा है थोड़ी गुरु जी से मिलना चाहता। बोले गुरु जी कहाँ रहते हैं? बोले अमुक स्थान पर। बोले गुरु जी को बुला। जब गुरु जी को बुलाए गुरु जी बोले बेटा क्या बात है? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे ये देश में पता नहीं किसने चोरी किया और बूढ़ी माता ने देख लिया था पीछे से लंबा चौड़ा मोटा और मैं तो घी पी पी करके रसगुल्ला रसमला रोज रोज खाता था और खा के करके एक रुपया हर चीज की ये लंबा चौड़ा था और बोले यही चोरी किया अभी फांसी में चढ़ाने चाह रहे। इतने में गुरु जी ने कहा देख बेटा तेरे को मना किया था बात सुन ले। बोले गुरु जी मेरी गलती हो गई। बोले अभी मेरे को माफ कर दो गुरु जी अभी बचाओ। बोले देख बेटा हम दोनों में लड़ाई करेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को फांसी पर चढ़ाओ और तुम बोलेगा मेरे को फांसी पर चढ़ाओ, फिर क्या होगा नहीं होगा मैं देख लूंगा। हे दोनों गुरु चला इतने लड़ाई किया, मैं फांसी पर झूलना चाहता हूँ मैं फांसी पर। राजा बोले फांसी में झूलने के लिए दोनों लड़ाई? बोले गुरु जी को बोला बोले बेटा क्या बात क्यों लड़ रहे हो? बोले गुरु जी मैं फांसी पर चढ़ूंगा। चेला बोले तो मैं? बोले भैया बात तो क्या बताओ? बोले राजा हमको पता नहीं, मैं जब यहाँ आया ना मैं पंचांग देख करके आया, अब पंचांग में 100 साल के बाद में आज ये अमृत योग आज जो मरेगा ना फांसी में झूलेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा, मैं देख करके अभी अभी पंचांग से आया 100 साल के बाद में ये अमृत योग है। गुरु जी बोले मैं फांसी में? चेला बोलता मैं फांसी। राजा ने देखा 100 साल के बाद में ये अमृत योग आया और जो फांसी में झूलेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। बोले भैया मेरी मैया तो बूढ़ी हो गई कुछ दिन बाद में मरने वाले, अरे अपना मैया को फांसी में क्यों नहीं झूला दे? बोले जब दोनों भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुमको फांसी में झूलने का, मेरी मैया बूढ़ी हो गई कुछ दिन बाद में मरने वाले और 100 साल के बाद में अमृत योग मेरे मैया को भी सुल में चढ़ा दो है। इतने में गुरु जी ने बोला बेटा जल्दी भागो यहाँ से। बस गुरु चला भाग गए और अपना मैया को उसने क्या किया फांसी में राम नाम सत्य कर दिया। हाँ इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज श्री परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कृष्ण से प्रश्न करते बोले प्रभु ये बताओ जिस पुतना जिसने मारने के लिए तुमको आई स्तन में कालकुट बीच लेकर के राक्षसी बच्चों का जो खून पीने वाली इतने जो दुष्टा थी दुराचार थी अगर आप इतने ऊंचे गति उसको दे दोगे गोलोक वृंदावन में भाई मैया की गति, फिर जो ब्रज में जो सखाएं हैं ब्रज में जो गैया जिनकी दूध आपने पिया ब्रज के सखा जिनके साथ में खेले जिसे माता की आपने दूध पिया उनको क्या बोलता? ये सुखदेव गोस्वामी कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो भगवान कहते देखो ये जथा माम प्रबद्धते ताम तथैव भजामि। ये मत समझो पुतना को जो स्थान दिया इनको भी वो स्थान दो, नहीं पुतना को तो मैया की अनुगत्य में वहां पर जो दो दासी सेवा करती उन्हीं के अनुगत्य में, लेकिन ये जो ब्रज की जो माताएं हैं ना ये क्या करती मैया जसोदा कृष्ण अगर कभी मक्खन चोरी कर लिया ना उनको उखल में बांध देती है कान मोड़ देती है। अगर मैया कहते लाला तुमने मक्खन खाई कृष्ण क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी मैंने ही मान खायो, मैं तो इनके प्रेम में पूरा बसीभूत हो जाता हूँ, इनके प्रेम में मैं सबको बराबर गति नहीं देता हूँ। बस वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम।
भैया राम लक्ष्मण सीता बन गए, बनाए राम लक्ष्मण सीता को नहीं, अरे बनाए कि नहीं राम लक्ष्मण सीता, देख रहे हो, जब दो दो लड़की को, दो लड़की को राम सीता राम बना दे, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, I'm gonna make it.